listed companies. Now I hand over the session to Mr. Pramod Sangai ji for his deliberations. मैं कुछ बोलूं एक मिनट? Yes, भैया. President sir, chairman sir. Yes, sir. दोस्तों ये टॉपिक जो सेलेक्ट किया गया उसके पीछे एक छोटी सी कहानी जो प्रमोद भैया जानते हैं. मेरे पास एक बैलेंस शीट आई. बैलेंस शीट में आई सपोज टू बी द ऑडिटर. ड्यू टू सर्टेन रीजन आई वाज नॉट हैविंग आई कुडंट गिव द प्रॉपर टाइम टू सी थिंग्स. देन आई नॉर्मली विजिट टू संगे भैया खंडेलाल भैया और समवेयर इन माय बिल्डिंग. तो मुझे जाके लगा कि मैं शायद स्टूडेंट भी नहीं हूँ बढ़िया से भी, अभी मैं बच्चा हुई हूँ. और प्रमोद भैया ने फटाफट 15 मिनट के अंदर में मेरी ऐसी की तैसी कर दी. इन द सेंस इतनी सारी गलतियां थी उसके अंदर में, इतनी सारी गलतियां थी. तो इनफैक्ट ये मिस्टेक भी हो रहा था कि शेड्यूल 3 में ऑलरेडी पीपीई आ चुका है फिक्स्ड एसेट्स के बदले में, स्टिल इट इज रिटेन एज ए फिक्स्ड एसेट्स. भैया की बात करने के बाद मैंने और भी कई बैलेंस शीट देखी जो कि कम से कम 200 करोड़ की टर्नओवर की थी, 300 करोड़ टर्नओवर की थी. उसमें भी अच्छे अच्छे ऑडिटर्स थे विदाउट नेमिंग कोटिंग द नेम विदाउट कोटिंग द नेम ऑफ द कंपनी. उसमें भी फिक्स्ड एसेट्स लिखा हुआ है. मैं भैया से बात किया कि भैया ये कि अभी भी इसमें फिक्स्ड एसेट्स लिखा हुआ है. तो बड़ी गड़बड़ थी. संजोग से फिर मैंने नई किताब भी मंगाई उसी समय कि कहीं कुछ चेंज तो नहीं हो गया या फिर कहीं मिस्टेक तो नहीं है. बिल्कुल वापस नई किताब मिलाई लॉ में टेक्स्ट में जाकर के, वहां पे पीपी लिखा नहीं, कहीं कुछ चेंज नहीं है. देन आई सडनली कम टू माइंड कि भाई ये सब गलतियां जो मेरे से हो रही है और बाकी सब लोगों से सबसे हो रही होगी. और चूंकि इसलिए भी गलती होगी, मैंने भी रिसेंटली कितने भी सेमिनार ज्वाइन किए हैं, सब में यही बात बताई जाती है कि भाई हम लोग का जो भी क्वालिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज रिड्यूसिंग. व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट गिविंग द प्रॉपर टाइम. एंड हम लोग को अपने प्रोफेशन में क्वालिटी नीड नहीं लाएंगे तो जैसे भी खंडेलाल भैया बोल के गए कि लॉट्स ऑफ अलग अलग रेगुलेटर्स जो हैं, एमसीए हो चाहे आरबीआई हो चाहे आईसीआई हिमसेल्फ, क्योंकि कभी भी हम लोग के ऊपर में डीसी चालू कर सकते इफ वी फाउंड एनी ग्रॉसिंग नेगलिजेंस प्रॉब्लम. तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आई थॉट कि भाई प्रबोध भैया को ही अपने जीडी के इनिशिएटिव बनाया जाए. और ही इज वेरी लर्नड पर्सन और टाइम टू टाइम बहुत ही डेप्थ नॉलेज भी है उनका. तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विथ हिम. तो आई रिक्वेस्ट चेयरमैन एंड चेयरमैन इमीडिएटली डिड ऑल द फॉर्मेलिटीज एंड वी आर नाउ हियर टू हियर प्रमोद संगे जी. एज आई एम ड्यूटी बाउंड, एज आई एम द 21st प्रेसिडेंट ऑफ वीआईपी, सो आई एम ड्यूटी बाउंड टू से समथिंग अबाउट द वीआईपी विद इन 1 मिनट. सर हम लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन है जिसमें कि रफली 800 चार्टर्ड अकाउंटेंट है रफली. और हम लोगों ने एक नई पॉलिसी बनाई है, बेनिफिक्शन पॉलिसी फॉर यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. कहने का मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 साल के अंदर का है उसको हम लोग कम पैसे में उनको सपोर्ट करके उनको मेंबरशिप लेते हैं. इसके अलावा हम लोगों ने 800 मेंबर की जो हमारी सोसाइटी जो एसोसिएशन है उसके अंदर हमारे साथ में कई ऐसी क्वालिटी छिपी हुई है जो हमें पता नहीं था. तो उन लोगों को मैंने लेकर के एकलव अवार्ड बने चालू किया है जिसके अंदर में हमारे बच्चे, हमारे घर के लोग, हमारे बुजुर्ग, हमारे पोते पोतियाँ जो जिसकी एज हो चुकी है उनके टैलेंट को मैं उभारने के लिए का प्रोग्राम कर रखे हैं. इसके अलावा हम लोगों ने CABF फंड में भी इस बार डोनेट किया है. इसके अलावा कई तरह की चीजें हम लोग टेक्निकल करते रहते हैं. और नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, नाउ आई रिक्वेस्ट प्रमोद भैया टू प्लीज बी हियर. एंड फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस प्लीज बी इंटरेक्टिव सो दैट की छोटी छोटी चीजें हमें पता चल सके, हमें सुधार सके. इन्हीं शब्दों के साथ में मैं प्रमोद भैया को इन्वाइट करता हूँ फॉर हिज स्पीच. वेलकम भैया. प्रमोद भैया कंटिन्यू. प्रमोद भैया कंटिन्यू. स्क्रीन सेव कर लीजिए. प्रेसिडेंट ऑफ द वीआईपी रोड चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टडी सर्किल विष्णु कुमार सुलशान जी, चेयरमैन ऑफ द सेशन पटवारी जी, माय सीनियर काशी खंडेलवाल जी एंड माय को कलीग इन एफआरबी पवन अग्रवाल जी, अदर सीनियर मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, फ्रेंड्स, कलीग्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन,
First of all, I convey my gratitude to the VIP Road Chartered Accountant Circle, who has given me this opportunity to deliberate upon the today's topic, is pitfalls of the financial statement and presentation. I suppose this is the first time I am being chosen as speaker on this VIP platform. Yes, sir. It is my privilege. My maiden speech in this platform, Kasi ji. So basically, we have joined today in Zoom meeting to understand the pitfalls of financial statements and its presentation, to understand better way and upgrade ourselves and to update ourselves in the sense of the new development which have come very recently. Basically, I am not here to pinpoint the mistakes being committed by other my co-fellow members, but it is a general perception, including myself, that when we take up any assignment of the attestation work, audit work, then because we have to follow so many legal requirements, that some parts of the legal requirement are missing here or there. Friends, the attestation work, or for that matter audit work, is undoubtedly a very challenging and daunting task today. Why I'm saying so? Because we have to first see the entire thing in the legal parameters, and then examining within that parameters and issuing the report thereon. So I have decided to divide my talk on this subject into four segments. First is the statutory requirements. Second is format and presentation of financial statement. Third is disclosure obligation. And fourth is auditor's report thereon, for better understanding of the matter. Because unless until we understand the legal parameters as to where from we are bound to follow, what are the requirements of the law, then only we can understand what is our obligation. So coming to the matter of statutory requirements. Statutory requirements, the moment I say statutory requirements, immediately in our mind comes Companies Act, Schedule 3, then Accounting Standard under Ind AS, and guidelines of the institute, standard on auditing, and guidance, implementation guide on the guidance note of the institute. So these are the legal documentation based on which the management charged with the preparation of accounts and the auditors thereon has to prepare the financial statement, present the financial statement, and the auditors is supposed to report thereon. So these are the legal documents. Now coming one by one, in the first segment of the statutory requirement, if a company says that I will not prepare the balance sheet in accordance with Schedule 3 because my business is a typical business, so you qualify whatever you like, we will not be able to adhere to the format which you are prescribing, which they cannot do. Now why I am saying so? The Companies Act 2013, Section 128, I just draw the attention of the member, the Section 128 of the Companies Act specifically requires every company to prepare financial statement for every year, which gives true and fair view. Now Section 129 says that true and fair view means you have to present the balance sheet in according with Schedule 3 format, followed by accounting standard notified under Section 133 of the Companies Act. That means Section 128 requires to present the true and fair view. 129 requires the true and fair views, draw the balance sheet according to Schedule 3 and follow the accounting standard notified under Section 133. Now under Section 133, the central government has power to notify the accounting standard, which the central government has only done so. Today, as per Section 133 of the Companies Act, we have two set of accounting standard. One is
normal gap accounting standard, which is normally known as accounting standard rule 2006. And later on, another set of segments was issued by the central government, which is companies Ind AS rules 2015. So these are the two set of accounting standard has been notified by the central government in terms of section 133 of the Companies Act. Now section 129 says schedule 3. Now coming to the schedule 3. These I am telling you the legal parameters, legal strictly requirements as to where from we are bound to follow these guidelines. Now schedule 3 came into act 2013. Previously it was schedule 6 as per the Companies Act 1956, which became schedule 3 under the Companies Act 2013. Now that format is given, balance sheet format is given in schedule 3. When Companies Act 2013 came, it was only part 1 and part 2. There was no division at all, if you remember, friends, because the entire balance sheet in India were bound to be prepared according to the format which was prescribed in schedule 3 of the Companies Act 2013. Later on, in 2015, the MCA came out with the Companies Ind AS rule 2015, base year 2015. And to implement that, schedule 3 was amended. And thereafter, division was done. Division 1 and Division 2. Schedule 3 came with the two divisions. Division 1 applies to the accounting standard companies to whom Ind AS does not apply. And Division 2 was introduced for all the companies to which Division 2 applies. And the format was prescribed as to how you will present the balance sheet. Again, thereafter, when the NBFC issues came to the government mind, then they again created a more division in Schedule 3. That is called Division 3 in Schedule 3, which is specifically for NBFC company. Those NBFC companies which are required to present their accounts according to Ind AS. So now again I am telling you that accounting standard 2006, which applies to all those companies to which Ind AS does not apply. And to whom Ind AS applies, then you have to follow Ind AS rule 2015. And all those NBFC to whom Ind AS applies, they are to prepare the balance sheet according to Division 3 of the Schedule 3 of the Companies Act. Meaning thereby, if there are NBFC which does not necessarily require to present their account according to Ind AS, they will follow accounting standard 2006, Division 1 of the balance sheet. So today, I'm giving thrust on my fellow chartered accountants because of the fact that we, most of the chartered accountants in practice who are not big short and big four, we have to prepare the balance sheet normally for the clients who may not fall under Ind AS. There, you cannot apply Form 3 of Division 3 of Schedule 3. There, you have to prepare the balance sheet according to AS Division 1 only, which is Companies Accounting Standard Rule 2006. So therefore, what happens that if you have a company, first you have to determine whether your company is required to prepare the balance sheet in accordance with AS or Ind AS, whether it is NBFC or any other company. That first you have to choose as to which accounting standard it applies. Thereafter, you have to decide that, let us suppose if it is under normal AS, which is normally known as GAAP, there you have to select the Form 3 as per Division 1. Now, After Schedule 3, what we have to follow? Let us suppose we are following the format as prescribed in Schedule 3 of the Companies Act 2013, no issue. Thereafter, we have to follow accounting standard under Section 133, which is Companies Accounting Standard 2006, which has 29AS, virtually 27AS, because 8 has been withdrawn and 6 has been merged with AS10. Which is fixed assets. That depreciation and fixed assets both has been combined and it has been redrafted in the name of AS10, and that is why in totality there are 27 AS which is to be followed by those companies which are not falling under Ind AS. Mind it very categorically. Thereafter, if your company are following Ind AS, then according to Ind AS rules 2015, the government has notified 41 Ind AS today, which are applicable on the companies.
I will not much deal on Ind AS because in normal parlance, whenever I come across with my fellow chartered accountants, basically those are the auditors of those companies which are following accounting standard. I think Kashish will agree because we chartered accountants in Calcutta here, most of we are concerned with normal accounting standard. Ind AS is very limited because that applies to the quoted company and the companies having worth of more than 250 crore or 500 crores. So we in chartered accountants normally, I don't say that we do not have, and some of the parts I will deal also. But primary, my focus will be on accounting standard as to which has to be followed. Now coming to form number three, Schedule 3 of the Companies Act. Schedule 3 has standard guidelines, presentation of balance sheet in accordance with Schedule 3. The instructions are there in Schedule 3. That means those instructions has to be followed while presenting the financial statement. Apart from those obligations which are prescribed under AS. So what has happened? That you follow Schedule 3 of the Companies Act, followed by the instructions of preparing the balance sheet in accordance with Schedule 3. And thereafter, the obligation which is required to be disclosed by accounting standard, and then the guidelines, then standard on auditing, all those have to be followed to prepare the financial statement, to present the financial statement, and then issuing the report thereon. That is why I normally say ki nowadays under the current situation, auditing is really a daunting task today. Because you have to keep in all this mind, all these affairs. If you do not follow all these affairs, then your true and fairness is affected. Coming to accounting standard obligations, which will be I will let later on, come to Schedule 3, one by one. I am just dealing some of the items. This is my segment. First, legal parameter I have spoken. Now, second segment is format and presentation and disclosure obligation. अब आप शेयर कैपिटल में आइए. शेयर कैपिटल जैसे अपने शेड्यूल 3 में प्रेजेंटेशन करते हैं, एक चीज मैं खाली मेंबर की जानकारी के लिए बता देता हूं कि शेड्यूल 3 का जनरल इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ये बोलता है कि यदि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या एक्ट अगर ये रिक्वायर करता है कि इस फॉर्मेट को आप चेंज कर दीजिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन दीजिए, मॉडिफिकेशन कर दीजिए या ऑल्टरेशन कर दीजिए, एडिशनल डिस्क्लोजर दीजिए, तो शेड्यूल 3 जो है वो अपने आप में वहीं पर रहेगी. एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सुपरसीड कर जाएगा. इन अदर वर्ड्स, इफ द एक्ट सेज टू रिप्रेजेंट समथिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर समथिंग टू रिप्रेजेंट इन द बैलेंस शीट व्हिच इज नॉट इन अकॉर्डिंग विद शेड्यूल 3, देन द एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल सुपरसीड द फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल 3 एंड दैट हैज टू बी प्रेजेंटेड इन अकॉर्डिंग विद रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट and schedule and accounting standard. Friends, time to time standard rules schedule 3 has been amended time to time since 2006, in 2008, 11, 12, 15, and last being 18. Time to time accounting standard have been modified. There we miss that schedule 3 has been modified. We fail to note all that. For example, I'm telling you the requirement of the first share capital. The share capital, the moment share capital is there, the general instruction of preparing the balance sheet says that you have to state right attached to each kind of shareholders, share capital, whether it is equity share, preference share, convertible shares, non-convertible shares, cumulative preference share, whatever is there, all sort of capital which is appearing in the balance sheet, you have to state the rights attached to each class of share. अब आप बहुत सी balance sheet ऐसी देखेंगे जिसमें share capital का mention किया हुआ है, preference भी लिखा हुआ है, cumulative preference भी लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ rights attached क्या क्या है वो missing हो जाती है. अगर missing हो जाती है तो ये जो है शेड्यूल 3 के प्रेजेंटेशन को एडहेयर नहीं करती है, और एडहेयर नहीं करती है तो वो ट्रू एंड फेयरनेस को इफेक्टेड कर जाएगी. सो इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ
व्हाट वी नीड टू डू दैट शेयर कैपिटल जैसे आती है उसके नीचे राइट्स को आपको अटैच करना पड़ेगा, राइट्स के बारे में लिखना पड़ेगा कि वो कौन सी राइट है, जैसे डिविडेंड एट पार है, कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है, सारी चीजों का टर्म्स कंडीशन आपको मेंशन करना पड़ता है। 5% शेयर कैपिटल का देना है सब दे देते हैं, लेकिन 5% का देने के पहले भी हम तो ये सजेस्ट करेंगे ऑडिटर को कि उसकी एक लिस्ट ले लें कि हु आर द शेयर होल्डर्स। वो सीधा सीधे क्या होता है कि लास्ट ईयर सिर्फ कॉपी मारते हैं, इस बार दिखा देते हैं, जबकि आपके एनुअल रिटर्न जब भरते हैं एमजीटी 7 में वहां शेयर होल्डर दूसरे हो जाते हैं। तो ऑडिटर्स आर कैरिंग रिस्क टू दैट एक्सटेंट। सो जब जब बैलेंस शीट साइन होती है तब तक आप शेयर होल्डर की लिस्ट लेके मैनेजमेंट से रख लें ताकि वो प्रेजेंटेशन आपका बैलेंस शीट गलत ना हो। उसके बाद आते हैं रिजर्व सरप्लस में। अब कलकत्ते की मोस्ट ऑफ द बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रहता है। आज भी आप देखेंगे बहुत सी बैलेंस शीटों में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वर्ड आता है, जबकि ये जो रिजर्व वर्ड है यह शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट हो गया है। आप बैलेंस शीट देखेंगे रिजर्व सरप्लस के नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व वर्ड इज नो मोर। लेकिन अभी बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, भाई रिजर्व नहीं है ये, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट अराइजिंग आउट ऑफ एनी रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट लॉस अकाउंट और फ्रॉम रिवैल्यूएशन, इट इज पार्ट ऑफ द कैपिटल। इसलिए कॉन्शियसली शेड्यूल 3 को अमेंडमेंट करके रिजर्व हटा दिया गया। और यहां पर क्या होती है, कॉमन एरर पिटफॉल्स क्या आती है कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का रिजर्व से चलाते आते हैं। फर्दर रिजर्व सरप्लस में यह देखा गया है कि यदि कोई आपकी लॉसेस इतने आ गए हैं, लॉस इतने आ गए तो प्रीवियस बैलेंस शीट में अगर शेड्यूल 6 में जाएंगे तो लॉस का जो है अपने एसेट साइड में दिखाते थे बैलेंस शीट में, जो कि नेट लॉस रहता था, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर जो पीएल अकाउंट का होता है उसको एसेट साइड में दिखाते थे, जबकि कंपनीज एक्ट 2003 में शेड्यूल 3 के हिसाब से इसको निगेटिव करके लायबिलिटी साइड में दिखाना है। यहां प्रेजेंटेशन बहुत सी बैलेंस शीटों में गलत हो जाता है। तो रिजर्व सरप्लस के बाद आप देखेंगे कि भले अगर निगेटिव फिगर है तो रिजर्व सरप्लस को निगेटिव दिखाइए, न कि उसको एसेट साइड में दिखा देंगे। सो दैट इज वन ऑफ द इशू रिजर्व सरप्लस, शेड्यूल 3 के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। फिर आते हैं बोरोइंग में। अब बोरोइंग के देखिए कितनी बड़ा इशू हो रही है कि बोरोइंग में दो तरह की बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग को फिर ये बोला गया है कि आप दो भागों में बांटिए, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। शेड्यूल 3 की बात करता हूं। फिर ये बोलते हैं कि अगर आप लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी है कि नॉन रिलेटेड पार्टी, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब आप आइए कॉमन बैलेंस शीट कहीं पर भी देखेंगे, बहुत से बैलेंस शीट, आई डोंट से कि इंटायर बैलेंस शीट, बहुत से बैलेंस शीट में से मिलता है लोन फ्रॉम शेयर होल्डर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, लोन फ्रॉम बॉडीज कॉर्पोरेट्स, अदर लोन। देयर इज नो डिस्क्लोजर अबाउट वेदर इट इज फॉर रिलेटेड पार्टीज और नॉन रिलेटेड पार्टीज, नथिंग इज मेंशन इन द बैलेंस शीट। एंड दे आर शोइंग दैट लोन फ्रॉम शेयर होल्डर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, वी आर बाउंड टू डिस्क्लोज वेदर दोज आर फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज और अदर देन रिलेटेड पार्टीज। One of the common mistake which we find in the long-term borrowing, and thereafter, if the long-term borrowing has term loan, let us suppose you have convertible debenture, bond, non-convertible debenture, then it is the requirement of Schedule 3 that your terms and conditions of each and every bond or debenture has to mention rate of interest, conversion date, earliest conversion date, how much to be converted, these are the requirement for borrowings. We find in the balance sheet, borrowings are there, but these disclosures are not there, which is requirement of Schedule 3. If you go to the guidelines of the institute in preparing the Schedule 3 balance sheet or Schedule 3 instruction itself, there is the requirement to follow secured loan and unsecured loan in the proper manner. And thereafter, very funny thing I'm noticing in so many balance sheets, even the last week I came across in the balance sheet, that Schedule 3 has been amended in 2016, probably from 2017, that trade payable in balance sheet, which is normally known as sundry creditor, we are showing in the balance sheet trade payable. And the trade payable word in itself has been amended, that trade payable has to be bifurcated in two portions. Dues to small and medium enterprises, dues to other than medium and small enterprises. Simply, trade payable is not in accordance with the requirement of Schedule 3 of the Companies Act because it has been amended. You are bound to show on the face of the balance sheet trade payable into two portions. One relates to MSMED and another relates to other than MSMED.
simply trade payable is not sufficient. You will find a number of balance sheet trade payable simply is there. There is no bifurcation of ABCD. This is a major mistake we are committing, and this should be avoided. Now coming to the trade payable again, MSMED, there is a requirement. What is the principal amount due to the MSMED? What is the interest to be paid to the MSMED? Where there was a delay in paying the MSMED amount, and then the default amount, every bifurcation is there in the requirement of Schedule 3 itself. In number of balance sheet, you find the trade payable is there, but there is no disclosure about MSMED, which is incorrect. The moment we find there is a trade payable, you are bound to disclose whether the trade payable consists of MSMED amount or interest or default. What are the requirements are there has to be represented. If you do not represent, then it is not in accordance with Schedule 3 requirements, which has been amended. Thereafter, come to the point of fixed assets. As Vishnu has rightly pointed out, in most of the balance sheet, even today, we find instead of property, plant, equipment, fixed assets. Fixed assets, friends, are no more in the statute book. It has been amended. It has been amended along with depreciation methodology. Both depreciation and fixed assets has been merged in the accounting set 10, which has been named as PPE, that is property, plant and equipment. Therefore, in Schedule 3 as well as accounting standard, it has been amended. So if you are still presenting fixed assets, you are not doing the correct procedure of preparing or presenting the balance sheet. There you have to pinpoint that this is not in accordance with requirement of Schedule 3. And thereafter, come to another point of cash and cash equivalent. As I told you, while preparing the balance sheet in Schedule 3, when there is a separate requirement under AS or under the Act, that will supersede the format of Schedule 3. That's a very interesting thing I'm telling about the cash and cash equivalents. If you go through the Schedule 3 requirement of the Companies Act, there in the asset side, the word is there even today. Even today in Schedule 3, the word is cash and cash equivalent. Now accounting standard 3, which requires to prepare cash flow statement. There they say, ki if you are preparing the cash flow statement, the cash flow statement, cash and cash equivalents will be only those cash which are readily available to the company. Otherwise, aap cash and cash equivalent nahin dikha sakte. जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां पर दिया हुआ है एस थ्री में कि यदि मान लो आपके पास फिक्स डिपॉजिट है 3 महीने से ज्यादा की है और 12 महीने की है उससे ज्यादा है तो एस थ्री बोलता है कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे अगर 3 महीने ज्यादा है क्योंकि एस थ्री बोलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में वही आप एंड में दीजिए जो एकदम रेडिली कैश अवेलेबल है इमीडिएटली मैनेजमेंट को कैश अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि जो स्टेक होल्डर है जो यूजर ऑफ द फाइनेंस स्टेटमेंट कहीं अपना डिसीजन गलत नहीं ले ले कि अरे भाई कंपनी के पास बहुत सारा कैश है बट देखा जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 महीने में बहुत छोटा है और आगे आने वाले सालों में ज्यादा है तो एस थ्री रिक्वायर्स की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को अलग दिखाइए और बैंक बैलेंस को अलग दिखाइए तो फिर इंस्टीट्यूट की जो गाइडलाइन अपनी उसमें यह कैटेगरी लिख दिया गया है कि भाई ऐसा करो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में यदि ऐसे बैंक बैलेंस हैं फिक्स डिपॉजिट है जो 3 महीना से ज्यादा की है तो आप वो हेड को चेंज कर दो अभी आपके बैलेंस शीट में मिलेगा कैश एंड बैंक बैलेंसेस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की आवश्यकता नहीं है अब वो रिप्रेजेंट हो जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंसेस और कैश एंड बैंक बैलेंसेस के भीतर में आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे दें और अदर बैंक बैलेंस दे दें ताकि वो एस थ्री का भी रिक्वायरमेंट हो जाए और शेड्यूल थ्री का भी रिक्वायरमेंट हो जाए ये आपको इंटेलिजेंट स्टडी करके निकालनी पड़ेगी नहीं तो क्या होता है आज के दिन बैलेंस शीट देखिए कि कैश एंड कैश किसी ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख दिया किसी ने कैश एंड बैंक बैलेंस लिख दिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट Read with Schedule 3 guidelines of the issue. So there we find that cash and bank balances, बहुत से balances आपको मिलेगा cash and bank balances. उसके भीतर मिलता है cash and cash equivalents. और फिर वो bifurcation वहाँ पर दिया जाता है cash and cash equivalents क्या क्या दिखाना चाहिए. Issue guidelines ये भी है कि अगर आपका bank balance earmark है जैसे मान लो किसी ने आपने कोई guarantee के पेटे में पैसा रख रखा है foreign currency transaction पैसा रख रखा है उसको separately दिखाइए भले वो cash and cash equivalents हो So these are the requirement under AS 3, read with Schedule 3, read with guidance note of the institute, then we have to prepare the balance sheet and present the balance sheet accordingly.
सो यहाँ पर कई लोगों को कई जगह मैंने देखा है कि गलतियां हो जाती हैं, इसको अपने को सावधान रहना है। अगर कैश एंड कैश है तो कैश एंड कैश दिखाइए, और कैश एंड बैंक बैलेंस है तो कैश एंड बैंक बैलेंस, वो प्रेजेंटेशन अपने को अलग अलग से करना पड़ेगा। अब एक देखिए जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात और जो शेड्यूल 3 की बात करते हैं, थोड़ा सा हम आगे ले चलते हैं कहां कहां और गलतियां होने की संभावना होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो मैंने बताया ना कि मेरा थर्ड सेगमेंट आ रहा है प्रेजेंटेशन एंड ऑब्लिगेशन, बाद में मैं आऊंगा ऑडिटर रिपोर्ट में। तो ऑब्लिगेशन एंड प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये बोलता है कि भाई जो आप अकाउंट्स बना रहे हो उसके जो भी रेलेवेंट आपके सेगमेंट हैं उस बैलेंस शीट में जो भी प्रेजेंटेशन है उस हर आइटम्स की जो रेलेवेंट बनाने के जो तरीके हैं बेसिस ऑफ प्रिपरेशन है उसकी पॉलिसी आप जो है प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दो। अब एस वन में अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस जितनी आइटम आप बैलेंस शीट की है कैश की है या फिक्स्ड एसेट्स की है, रेवेन्यू की है या आपके कंटिन्यूड लायबिलिटी की है, टैक्सेशन की है, बोरोइंग कॉस्ट है, जितने भी पॉलिसियां हैं वो आपको इंक्लूडिंग कैश फ्लो वो सारी आपको काउंटिंग पॉलिसी मेंशन करनी पड़ती है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ बड़ा पंगा होता है भाई साहब कि आप किसी भी बैलेंस शीट को उठा के देखेंगे ना, ये कोई ये नहीं है कि मतलब जो है मैं बता रहा हूँ कि गलतियां सभी चार्ट अकाउंटेंट करते हैं, बट बहुत सी बैलेंस शीट में ऐसे मिलती है कि आपके रेलेवेंट आइटम तो बैलेंस शीट में है तो उसकी पॉलिसी मिसिंग है। अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ, लास्ट 4-5 महीने में बात है कि आपके पीएल अकाउंट में था इंप्लॉइज बेनिफिट, लेकिन इंप्लॉइज बेनिफिट की जो पॉलिसी डिस्क्राइब करने की बात है वो मिसिंग थी। आरओसी से नोटिस आ गई कि भैया योर अकाउंट्स आर नॉट ड्रॉन इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाई नॉट द प्रोसिक्यूशन शुड बी लॉन्च अगेंस्ट ऑल द डायरेक्टर्स एंड द कंपनी। और क्या मिस्टेक है छोटी सी कि आपके पीएल अकाउंट में इंप्लॉइज बेनिफिट्स तो है बट उस इंप्लॉइज बेनिफिट की पॉलिसी जो अनाउंस आपके वहां पर प्रेजेंटेशन अच्छी थी वो मिसिंग है। आपके यहाँ लोन तो है बट बोरोइंग कॉस्ट की पॉलिसी नहीं है। आपके यहाँ रेवेन्यू तो आ रही है पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी नहीं है। कैश फ्लो आप बना रहे हो बट कैश फ्लो की पॉलिसी नहीं है, और है भी तो ये नहीं मेंशन करते हो कि कैश फ्लो के तरीके क्या है। बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अगेन बोलता है कि कैश फ्लो दो तरीके से बन सकता है, डायरेक्ट मेथड से बन सकता है, इनडायरेक्ट मेथड से बन सकता है। तो भाई साहब आपने कैश फ्लो तो बना लिया, पॉलिसी में लिखा ही नहीं कि ये कैश फ्लो जो बनाया हूँ वो डायरेक्ट मेथड से बनाया हूँ या इनडायरेक्ट मेथड बनाया हूँ, दे आर द पॉलिसी इज लैकिंग। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में ये जो कहावत बोली गई है कि भाई आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पॉलिसी ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी स्टेटेड लॉजिकली इन ए कंसाइज इन वन प्लेसेस सो दैट ए यूजर मे रेडिली मेक इट रेफरेंस फॉर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो अकाउंटिंग पॉलिसी जो है एक जगह आ जाए इसकी व्यवस्था करें, और दूसरा ये ध्यान रखें कि जितने भी रेलिवेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हो वो वहां पर मेंशन हो जाए। नहीं तो क्या होता है कि आपके बैलेंस शीट में आइटम है पॉलिसी मिसिंग है तो वो हाफ हार्टेडली पॉलिसी आ जाती है। इवन डेफर्ड टैक्सेस, अकाउंटिंग टैक्सेस, बहुत सी पॉलिसियां अपने हैं। तो मेरे कहने का मतलब खाली है कि पॉलिसी को ध्यान में रखें, सारी की सारी पॉलिसी मेंशन कर दें। फिर आते हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का वैल्यूएशन इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में आप मोस्ट ऑफ द बैलेंस शीट में देखेंगे यही लिखा हुआ मिलेगा कि इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिच इज लोअर, बस इज द पॉलिसी। आगे भाई साहब लिखते नहीं है कि ये कॉस्ट का डिटरमिनेशन कैसे होगा, ये फीफो है या एवरेज है, इसको आपने कैसे डिटरमिनेशन किया, ये जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कि आपके मेथड क्या है। मार्केट प्राइस को मेथड नहीं है, वहां पर लिखा हुआ है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच इज लोअर। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू के अपने अपने पैरामीटर्स अपने उसकी मीनिंग है, तो भाई साहब मार्केट प्राइस में से कितना बिकता उसको बेचने के लिए कितना कॉस्ट इनकर करेगा वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। तो आप कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच इज लोअर के चला देंगे तो नहीं चलेगा, वहां पर लिखना पड़ेगा कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच इज लोअर। एंड कॉस्ट भी आप कैसे डिटरमिनेशन करते हैं उसका फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट प्लेस योर फॉर्मूला देन द डिस्क्लोजर इज इम्प्रॉपर। सो माइंड इट कैटेगरी की वेन एवर यू आर मेंशनिंग द पॉलिसी अकाउंट इन्वेंटरीज ऑफ द अकाउंट्स यू हैव टू वेरी पर्टिकुलर अबाउट कॉस्ट मेथोडोलॉजी ऑफ डिटरमिनेशन योर वैल्यूएशन इन्वेंटरी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। थर्ड वन थिंग इज देयर दैट इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हालांकि बहुत छोटी सी बात ऐसा करते नहीं है लेकिन वहां पर देखेंगे आज भी आता है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, जबकि वो चेंज हो गया वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट है।
कैश फ्लो के स्टेटमेंट हम लिख दें कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो गलत है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आएगा। जैसे ऑडिटर रिपोर्ट में आता है ना ऑडिटर रिपोर्ट, नो सर, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ये क्या, मैं छोटी छोटी बात इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे जो छोटे भाई सब हैं प्रैक्टिस में हैं, जो जूनियर्स हैं, जो प्रैक्टिस में आए हैं, या जो नॉर्मल हमारे कलीग भी हैं, तो उनसे छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। सो माई सोल इंटेंशन इज टू हाईलाइट दोज थिंग्स विच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ एटलीस्ट इन कमिंग ईयर्स, बिकॉज धीरे धीरे जिस तरह से लॉ चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह से लोग स्ट्रिंजेंट हो रहे हैं, जिस तरह से आपकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रही है, कहाँ से कहाँ पकड़ के नोटिस आएगी भाई साहब, उस समय दौड़ते फिरेंगे। इससे बेटर है कि अभी जो है अपना चेंजेस जो है अपने प्रोग्राम में डाल लो, ताकि ये सब गलतियां नहीं रहे। अब आप देखो, एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो बहुत से कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा लगेगा कि भाई लोन लिया, लोन दिया, फिक्स्ड एसेट बेचा, फिक्स्ड एसेट खरीदा, नेट नेट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स, ये गलत है। आप कितने में बेचे हैं उसको रिसीट्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट्स अलग दिखाना पड़ेगा, एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अलग दिखाना पड़ेगा, आपने शेयर मार्केट में डिवेंचर बेच दिया लंबा चौड़ा वहां पर दिखाना पड़ेगा, डिस्पोजल फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर आपने नया लगाया है तो वो दिखाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो नेट आउट नहीं चलता है। नेट आउट चलने का मतलब हो गया कि आप बायफर्केशन वहां पर गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट आता हूँ, ये सम ऑफ द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, आई विल नॉट मेस टाइम सी, बेसिकली विष्णु जी आई थिंक दिट विल कन्वीनियंट कि आई डिलीवर द टॉक एटलीस्ट फॉर 10-15 मिनट्स मोर, देयर आफ्टर विल कम ऑन द इंटरेक्टिव सेशन सो दैट वी कैन हैव पार्टिसिपेशन अदर मेंबर्स आल्सो। Yes, sir, you continue. We have already requested them. So now after the balance sheet, now let us come to the revenue recognition. अभी बहुत से balance sheet में, including myself, दो चार साल पहले ऐसे चलाते थे कि sales had been recognized on the basis of bills raised. उसके बाद कोई policy नहीं होती है, जबकि ये categorically है कि आपके sales में excise duty, sales tax, GST है कि नहीं है, वो specially mention करना चाहिए। सेल्स हैव बीन अकाउंटेड फॉर नेट ऑफ जीएसटी बेसिस, नंबर वन। सेकेंडली, आपने सेल्स कब रिकॉग्नाइज किया, यू हैव टू मेंशन द सेल्स हैव बीन अकाउंटेड फॉर इन द अकाउंट्स व्हेन रिस्क एंड रिवार्ड हैज बीन सुटेबली ट्रांसफर टू द बायर। ये वर्ड लिखना पड़ता है अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से। इफ यू गो टू द S9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, देयर इज अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दैट यू कैन रिकॉग्नाइज योर रेवेन्यू ओनली व्हेन द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ फिक्स्ड रेवेन्यू, रिस्क एंड रिवार्ड हैज बीन शिफ्टेड टू द बायर, अदरवाइज नॉट। अब कई बार क्या होता है कि एक लाइन और भी लिखी हुई है S9 में कि वेन यू आर रीजनेबली सर्टेन दैट दिस अमाउंट विल बी कलेक्टेड देन ओनली यू शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोर्ट इंसेंटिव या कोई गवर्नमेंट की ग्रांट, आप क्लेम तो कर दियो बट यू आर नॉट श्योर कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो कितना मिलेगा, क्या आएगा अल्टीमेटली, बट आप रेवेन्यू में ले लेते हो एक्साइज गवर्नमेंट ग्रांट और उसको क्या बोलते हैं कि आपके एक्सपोर्ट इंसेंटिव, विच यू इफ यू आर श्योर विथ रीजनेबल एविडेंसेस दैट अल्टीमेट कलेक्शन विल बी डन देन ओनली यू शुड रिकॉग्नाइज, अदरवाइज यू शुड नॉट। यहां एक तकलीफ जीएसटी आने के बाद हमने महसूस की है कि जीएसटी में क्या होता है कि आप सेल्स जो है जैसे आप बुक करते हो आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी आ जाती है, लेकिन बहुत सी सेल ऐसी होती है कि बायर के पास अभी रिस्क के रिवार्ड नहीं गई है, तो जब नहीं गई है तो सेल्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं S9 के हिसाब से, बिकॉज रिस्क एंड रिवार्ड हैज नॉट बीन शिफ्टेड टू बायर, लेकिन आपके बिल बन गए। जीएसटी वाले बोलते हैं भैया बिल बनाते के साथ हमारे को तो टैक्स दे दो रेवेन्यू के ऊपर, हमारे कोई कंसर्न नहीं आपका S9 में आया कि नहीं आया, अकाउंट्स में लिया कि नहीं लिया, बिकॉज यू हैव सोल्ड द गुड्स पे द जीएसटी, और बिल के हिसाब से जीएसटी की लाइबिलिटी आ जाती है। तो जब जीएसटी को ऑडिट करने जाते हैं तो वहां देखते हैं कि जीएसटी में सेल्स कुछ और है, अकाउंट्स में कुछ और है, तो वहां पर इंस्टीट्यूट ने एक तो हैंडबुक जारी किया और यहां पर कैटेगरी के बोला है कि ऐसे केस में आप रेवेन्यू को चेंज मत करो, बिकॉज एस नाइन प्रिवेल्स का मतलब ये हो गया कि इफ यू आर श्योर अबाउट ट्रांसफर ऑफ रिस्क तभी आप AS9 में लेंगे, रेवेन्यू में लेंगे, PL में लेंगे, अदरवाइज ले नहीं सकते। तो वहां पर खाली आप एक रिकॉन्सिलिएशन बना के रख लें कि जीएसटी पर्पस के लिए ये रेवेन्यू है बट हमारी अकाउंटिंग के लिए ये रेवेन्यू है। ये जीएसटी ऑडिट आने के बाद बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि वहां से सेल्स का नहीं मिलता है। तीसरा, आप देखें यहाँ पे मतलब जो आपके जो रिकॉन्सिलिएशन की बात है जीएसटी का, वो आपको रखना पड़ेगा
फोर्थ हम कमी आते हैं रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का। अब ये ऐसा ग्रे सेक्शन है कि फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस आई कैन से यू कि जब एक ऑडिट कर रहे थे तो मेरे को पता लगा कि ये हमारी कंपनी एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म्स के साथ टेक्सटाइल का डीलिंग कर रही है जिसमें कि वन ऑफ द डायरेक्टर इज पार्टनर देयर एंड ही डज नॉट वांट टू डिस्क्लोज दिस ट्रांजैक्शन इन द कंपनी एंड आई नो कि आप परचेज सेल उस कंपनी से कर रहे हो जिसमें कि वो फर्म है जिसमें वन ऑफ द डायरेक्टर इज पार्टनर। तो मैनेजमेंट गेव मी इन राइटिंग कि नहीं हमारा कुछ ऐसा नहीं है। हाउ कैन यू नो इफ अनलेस अंटिल वी टेल यू दैट दीज आर माई रिलेटेड हाउ कैन यू नो सो वी विल नॉट डिस्क्लोज दिस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। वहां पर विकेट समस्या होती है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है रिकॉर्ड नहीं है आप मत दीजिए, लेकिन वहां पर यह लिख देना कि देर इज नो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और वहां नाम वगैरह किसी का भी फार्म का नहीं आता है यह गलत है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में एक कैटेगरी के लिए सब फ्रेंड्स को बता रहा हूं कि आपका ट्रांजेक्शन डायरेक्टर के साथ या केएमपी के साथ या जहां कंट्रोल एग्जिस्ट है उसके साथ हुआ या ना हुआ, कम से कम केएमपी का नाम एंड रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है इवन दो देयर इज नो ट्रांजेक्शन। माइंड इट वेरी कैटेगरी आई एम टेलिंग यू इट इज अंडर पारा 23 एंड 24 एंड 21। आपको नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी एंड कंट्रोल वेयर एग्जिस्ट द नेम हैज टू बी डिस्क्लोज इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स वेयर इफ इट इज पॉसिबल इवन दो देयर इज नो ट्रांजेक्शन विद देम। अब होता क्या है कि बहुत सी बैलेंस शीट में आपको ये मिलेगा कि देयर इज नो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, इतना सब बोल देने से नहीं होगा। यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ केएमपी एंड एटलीस्ट दोज फर्म्स वेयर कंट्रोल एग्जिस्ट इवन दो देयर इज नो ट्रांजेक्शन विद देम। तो ये मिसिंग होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में। प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी की बात करते हैं, इनकम टैक्स प्रोविजन, एम्प्लॉयज बेनिफिट प्रोविजन, देयर आर सो मेनी प्रोविजन अकाउंट्स। अब वो सिंगल आइटम लेके चले जाते हैं कि इतना था एम्प्लॉयज बेनिफिट का प्रोविजन है, इतना सा इनकम से प्रोविजन है, इतना डेफर्ट का प्रोविजन है, उतना कर देते हैं। बेसिकली एस 29 ये रिक्वायर करता है कि वेन एवर देर इज अ प्रोविजन यू हैव टू से द ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस, इफ एनी एडजस्टमेंट हैज बीन मेड आउट फॉर द प्रोविजन दैट हैज टू बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। हियर सिंपली मेंशनिंग वन फिगर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट और प्रोविजन फॉर एनी अदर आइटम विच हैज द कंपनी मेड, दिस इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद अकाउंटिंग स्टेट 29। देयर द ओपनिंग एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस हैज टू बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कंटिन्यूस लायबिलिटी। नाउ फॉर कंटिन्यूस लायबिलिटी आई एम टेलिंग यू अनदर एग्जांपल, इन मेनी बैलेंस शीट आई फाइंड देयर इज नो कंटिन्यूस लायबिलिटी, बट नाउअडेज आई हैव फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस सेज यू दैट इफ यू विजिट द income tax side of that company or that SSC by taking to confidence or by asking the printout from the login and password, there the income tax demand exists. So if there is income tax demand in the format of the in the record of the income tax department, you can't say there is no contingent liability. Either it has been disputed by the company or it has not been paid by the company. If it has been disputed, then also contingent liability has to mention. If it is not disputed, then also it has to mention. Apart from that, if some dispute exists, then in the CARO or in the auditor's report, that has to be drawn and a separate has to mention as to what is the amount of outstanding, at which forum it is pending. So there, the contingent liability, in most of the cases nowadays, are coming from the login ID and password. There the income demand. If there is no income demand, it is okay. But if there is income demand and you say that there is no contingent liability, this is incorrect. Another point is that consolidated financial statement. I was mentioning section 129, there says if the company has subsidiary or associate company or control joint venture company, then they have to prepare the consolidated financial statement. Now, while preparing the consolidated financial statement, some of the issues, policies has to be mentioned there. What is the basis of consolidation? Which subsidiary, which associate, which joint venture has been consolidated in the accounts? You have to mention the accounting policy. I'm talking about the accounting policy and disclosure. Actual financial figure will depend upon the party to party and case to case. But once there is a CFS,
then the basis of preparation CFS has to be there. Name of the subsidiary company, country of origin, what is the percentage of your holding that company, well, what control you are having in that company. These parameters has to be stated in the consolidated financial, the basis of preparation of the consolidated financial statement. As so far as policy is concerned. Apart from that, if there is CFS, then the Schedule 3 also requires one separate disclosure. What is that? That the percentage of the total assets of the consolidated company, out of this, how much relates to the standalone, how much relates to the consolidated subsidiary company or associate company. That is the requirement from Schedule 3. And consolidated requirement under AS 21. So you have to read in consonance with Schedule 3 and AS 1, what are the requirement of CFS, what to be presented there. Now in one of the balance sheet, I find that consolidated balance sheet has been done. Which company's consolidation has been done? Name is not there. What was the percentage? It is not there. Or even consolidation is required because of the balance sheet investments are there. It is percentage written, but there is no CFS. So you have to be very careful that if the company has associate or subsidiary, then the account has to be consolidated and it has to be approved on the same board meeting in which standalone financial has been approved. One more thing, in case of consolidation, let us suppose you have A limited holding company and B limited is a subsidiary company or associate company or joint venture company, which also has some subsidiary company or associate company. And that subsidiary and joint venture is preparing standalone as well as consolidated. Now question arises, this A limited will make a consolidation of B limited, which has standalone and also which has consolidation account. Now, which accounts should be consolidated with A limited? There it is a very categorically stated in AS 1, AS 21, that if a company has consolidated accounts, then from that consolidated, you have to prepare the own consolidated accounts. All that is a daunting task, is a very difficult task to do that. But that is another part. The requirement is that if subsidiary or associate has a consolidated account, that the consolidation of A limited will be based on the consolidated accounts for the purpose of consolidation of A limited. It is very, very important to understand that. Thereafter, friends, fixed assets, I told you that fixed assets mein ek baat aur bhi likhni padti hai ki agar koi assets apne aisi rakhi hai jo sale ke liye hai, to aapke property plant equipment mein wo line likhni padti hai ki assets held for sale. Ye bahut zaruri ho jata hai. Taxation ki baat aate hain, taxation ka इनकम टैक्स प्रोविजन, डेफर टैक्स प्रोविजन. अब डेफर टैक्स में बहुत सी बैलेंस मिलेगी आपको. पीएल अकाउंट में एक डेफर टैक्स का प्रोविजन आ जाता है और बैलेंस शीट में एक आ जाता है डेफर टैक्स. पॉलिसी में लिखा हुआ है कि डेफर टैक्स हैज बीन अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डिंग विद एएस 22 एंड द टाइमिंग डिफरेंस के बता दिया. लेकिन वहां रिक्वायरमेंट जानते हैं क्या कि डेफर टैक्स लायबिलिटी किस कारण से एरोज हो रही है. यू आर बाउंड टू मेंशन दैट वेदर इट इज अकाउंट टू डिप्रिसिएशन, वेदर इट इज अकाउंट टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस or any other adjustment section 48(2) of the income tax for which you are getting the benefit today which may not be available in future years. The timing differences are arising from 3 or 4 factors. So for the purpose of deferred tax provision, you have to mention that out of the deferred taxation, this much is relates to depreciation, this much relates to carry forward depreciation or losses, or this much relates to other items. And thereafter, the deferred tax has to be presented in the balance sheet with suitable note bifurcating these figures. इनकम टैक्स, अब डेफर टैक्स एसेट्स की बात आती है. डेफर टैक्स एसेट बहुत से लोग कर देते हैं. कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है तो हम तो डेफर टैक्स एसेट करेंगे, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड लॉस का डेफर टैक्स एसेट्स करने से क्या आएगा, आपका पीएल का जो मुखड़ा है वो पॉजिटिव में आ जाता है. पॉजिटिव में आ जाएगा तो आपको बैंक से लोन लेने में आसानी रहेगी, तो वहां पर डेफर टैक्स के लोग प्रोविजन कर देते हैं डेफर टैक्स एसेट. जबकि इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस में कैटेगरी लिखा हुआ है कि फॉर क्रिएटिंग डेफर टैक्स एसेट्स यू हैव टू बी रीजनेबल श्योर that this deferred tax assets will be materialized in coming years with credible evidences. Aur agar aisa nahi hai to mat karo, kyunki deferred tax assets ko create karna is more dangerous than non ascertainment of whether it will be recovered in the balance sheet in future years or not. So deferred tax assets agar kar bhi rahe hain to my submission is that you put a note in the policy, the company has created deferred tax assets
on the basis of credible evidence that this will be recovered in coming years on the part of taxations. So this deferred tax assessment also requires this much. Coming to disclosure and obligation requirement, accounting standard, all these things. Thereafter, the last segment comes to auditor's report. Ashok may later supplement me also, because if I start from auditor's report, then some of the prominent issues which we come across almost on a regular basis, which I want to highlight. Ek to pehli baat hai, auditor's report ke sabse samne aap independent auditor report likhna shuru kar dein. Secondly, जो फर्स्ट पारा है बेसिस फॉर ओपिनियन में तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमको मिलती है. इवन द लास्ट वीक आई हैड कम अक्रॉस विद अ बैलेंस शीट ऑफ अ गुड ग्रुप कंपनी वेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट वाज देयर इन द फाइनेंस स्टेटमेंट. लेकिन जो पहला पारा है ना बेसिस पर स्टेटमेंट का, वहां खाली बैलेंस शीट पे लिखा हुआ कैश फ्लो है ही नहीं. वो होता क्या है कि फर्स्ट टाइम कैश फ्लो स्टेटमेंट लगा, कॉपी पेस्ट प्रीवियस ईयर से आ गया. तो बेसिस ओपिनियन तो आपको देनी पड़ती है बैलेंस शीट पर, स्टेट ऑफ अफेयर्स, इनकम और लॉस पर, प्रॉफिट लॉस पर, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर, प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पर. चार पार्ट में आपको ओपिनियन देनी पड़ती है वेदर इट इज ट्रू एंड फेयर और नॉट. तो अगर आपके कैश फ्लो वहां है तो पहला पैराग्राफ में कैश फ्लो मिसिंग नहीं होना चाहिए. वाइस वर्सा भी देखा गया है, कैश फ्लो है ही नहीं बट पहला पैराग्राफ मिल दिया ऑडिटर ने, वी सर्टिफाइड द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द एंड वी सर्टिफाइड ट्रू एंड फेयर, जबकि कैश फ्लो वहां लगता ही नहीं. So, ये पेटी मिस्टेक्स ऑडिटर्स रिपोर्ट में भी रहती है. सेकेंड आता है कि भी आपके ऐसे इशू आए हैं जो कि आप रिपोर्ट करना चाहते हैं बट कोई परफॉर्मा, जैसे हमारा 7SA 700 जो रिवाइज गाइडलाइन है इंस्टीट्यूट की कि हाउ टू मेक ए रिपोर्ट, उसका एक परफॉर्मा दिया हुआ, इलस्ट्रेशन दिया हुआ, 5 इलस्ट्रेशन है लिस्टेड कंपनी के, अनलिस्टेड कंपनी के, कॉन्सोलिडेशन के, अदर एंटिटी के, सारे परफॉर्मा दिए हुए हैं. उस परफॉर्मा में ही अपने लोग को बैलेंस शीट समुची वहां पर ऑडिट रिपोर्ट देनी चाहिए. और वहां पर यह साफ लिखा हुआ है अदर मैटर. अब अदर मैटर में बड़ी विचित्र घटना होती है, वहां पर कैटेगरी लिखा हुआ है भाई साहब, यदि आपके प्रीवियस ईयर का ऑडिटर्स को दूसरा था. काशी जी आप इसमें ज्यादा जानेंगे क्यों, आप इंस्टीट्यूट में पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कमिटी में रहे हुए हैं. अगर प्रीवियस ऑडिटर कोई दूसरा था और इस बार ऑडिट कर रहे हैं तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट साइलेंट है भाई साहब, जो गलत हो जाएगा. आपको अदर मैटर में लिखना पड़ेगा द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर ऑडिटेड बाय अनदर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स एंड वी हैव बीन अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस, आवर रिपोर्ट इज नॉट क्वालिफाइड टू दिस. ये फैक्ट आपको उसमें लाने पड़ते हैं अदर मैटर में. दूसरा एग्जाम्पल देता हूं आपको कि आप ब्रांच के ऑडिटर नहीं हो भाई साहब, ब्रांच में जो है तुलसियान जी है और हम भी एक ब्रांच है और हमारा मालिक काशी खंडेलवाल जी तीसरा ऑडिट कर रहा है, वो अल्टीमेटली ऑडिट कर रहे हैं. तो वो जब अपना ऑडिट रिपोर्ट देंगे वो अदर मैटर में ये लिखने के लिए बाउंड है कि आई हैव नॉट, ये अदर मैटर की बात करूँ मैं, ऑडिट रिपोर्ट में कुछ एक पॉइंट. देखो मेरे कहने का मतलब क्या कि जो जनरल मिस्टेक्स होती है आई एम जस्ट ब्रिंगिंग टू द लाइट टू द मेंबर्स टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ मिस हो जाता है. तो आप यदि ब्रांच ऑडिट नहीं कर रहे हैं और दूसरा कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट कर रहा है तो वो आपको लिखनी पड़ेगी अदर मैटर में कि वी हैव नॉट ऑडिटेड दिस ब्रांच ऑफ द कंपनी विच हैज बीन ऑडिटेड बाय अदर इंडिपेंडेंट बोर्ड, रिपोर्ट विच हैज बीन कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग दिस फाइनल स्टेटमेंट एंड वाइल ऑडिटिंग दिस फाइनल स्टेटमेंट. ये लाइन आपको अदर मैटर में लिखनी पड़ती है. और इसके साथ साथ एक और है CFS. अब जहां पर कॉन्सोलिडेटेड फाइनल स्टेटमेंट आता है जहां पर वो भी एक ऑडिट रिपोर्ट अपने को देनी पड़ती है तो वहां पर भी एक अदर मैटर की बात आती है और वहां पर भी एक बात लिखा हुआ है. आज के दिन अगर कंसोलिडेशन, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, हमारे पास तो एक ऐसी कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बनने के लिए आती है जिसमें साहब बिहार के ऑडिटर है और एक आसाम का ऑडिटर है बट हमको कंसोलिडेशन करना पड़ता है बिकॉज आई एम होल्डिंग कंपनी. वहां पर ये अदर मैटर में लिखना पड़ता है स्पेसिफिकली कि आई हैव नॉट ऑडिटेड दिस बैलेंस शीट बींग सब्सिडरी ऑफ कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी या फिर ज्वाइंट वेंचर कंपनी. ये अदर मैटर लिखना पड़ता है. इफ यू डू नॉट राइट दिस तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट विल बी डीम्ड एज नॉट करेक्ट एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ. सो देयरफॉर ऑडिट रिपोर्ट करते समय इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है
कि पहले पैराग्राफ में सारी चीजें आ जाएं, उसके बाद जहां पर ब्रांच ऑडिट की और सब्सिडरी की एसोसिएट कंपनी की बात नहीं आ रही है उसको आप अदर मैटर में लिख दें। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि मैनेजमेंट आप चाहते हैं कि आपका रीडर उसको पढ़े, अभी बहुत ही रिसेंटली एक तो केस आया था कि भाई शायद अपने इसी ग्रुप मेंबर में बैठे हैं, मेरे ध्यान में नहीं है कि साहब अपने ग्रुप कंपनी को किसी ने 1 करोड़ रुपया लोन दिया और साहब इसी साल राइट कर दिए, राइट ऑफ करना है, बोला नहीं मिलेगा पैसा। वह 1 करोड़ रुपया लोन दे दिया अपने ही जान पहचान वाले को और इसी साल वो राइट ऑफ करके पीएल में डेबिट करेगा, साहब करेगा, आपको जो करना करिए हम करेंगे। तो वो ऑडिटर जो है जस्ट कंसल्टेशन के लिए आया कि सही साहब हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में। तो ऐसी सिचुएशन जो टिपिकल आती है जिसमें मैनेजमेंट कॉपरेट नहीं कर रहा है, ऑडिटर्स क्या करेगा वहां अदर मैटर में, ये आपको हाईलाइट कर देना चाहिए। बिकॉज अब ये मेटरनिटी कंसर्न भी जा रहा है, 1 करोड़ अगर 50,000 करोड़ की कंपनी है तो कमाने नहीं रखेगा, लेकिन नॉर्मल कंपनी है और 1 करोड़ रुपए आप लोन देती है, राइट ऑफ कर रहे हैं, पीएल में दे रहे हैं और कहीं कोई बखान नहीं है तो आपकी ट्रू एंड फेयरनेस में इफेक्टेड हो जाएगा। एंड यू हैव टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ मेंबर्स कि भाई ये ऐसा हुआ है। अब ये आपको जजमेंटल लेना पड़ेगा कि इसको आप क्वालिफाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, निगेटिव रिपोर्ट देंगे या अदर मैटर में देके चल जाएंगे, ये डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस होता है। बट माय पॉइंट इज दैट कि अदर मैटर ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड इंक्लूड दीज पॉइंट्स टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, यूजर्स हु आर डिपेंडिंग अपॉन योर रिपोर्ट टू टेक देयर ओन डिसीजन ऑफ फाइनेंसिंग दिस कंपनी और अदर मैटर्स। सो देयरफॉर these are the points which the auditor should be very careful regarding the matter. Another matter I would like to draw the attention of member, normally jo miss ho jati hai, ek apne issue mein SA 720 hai. Ye 720 kya hai, ye bolte hain other information, mane auditor's responsibility relating to other information. Ye abhi effect hua hai, ye 2018 se hua hai, ab 19-20 mein hai ये शायद अप्लीकेबल हो गया और अभी आने वाले में अप्लीकेबल तो होगा ही होगा। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया गया ऑडिटर पर कि भाई तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो, पीएल देख रहे हो, बैलेंस शीट देख रहे हो, ट्रायल बैलेंस देख रहे हो, बुक्स अकाउंट देख रहे हो, बट तुम्हारे पास यदि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि पार्ट ऑफ द फाइनेंस स्टेटमेंट हो भी सकती है और फाइनेंस स्टेटमेंट जैसे डायरेक्टर रिपोर्ट है, MGT 9 है, अदर इंफॉर्मेशन है या उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है, वो तो कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट नहीं है, बट वहां कुछ ऐसी बात लिखी हुई है जिससे आप ये कंक्लूड करते हो कि यहाँ कहीं ना कहीं हमको ये ड्रॉ करना पड़ेगा मैटर स्टेक होल्डर्स को, तो वहां पर इंस्टीट्यूट ने अपने स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के गाइडलाइन 720 में बताया है कि आप एक अदर इंफॉर्मेशन का हेडिंग डाल दो ऑडिटर्स रिपोर्ट में, अदर इंफॉर्मेशन, और वहां पर ये बात हाईलाइट कर दो कि भाई ये बात वहां पर लिखी है जो कि मेटरनिटी इंपैक्ट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं आपको कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में एक ऐसी बात लिखी हुई है कि कंपनी ने एक कॉर्पोरेट गारंटी दी थी, वो गारंटी जो है इन्वोक हो गई है, बट हम उसको लड़ रहे हैं और मैटर जो खाली डायरेक्टर रिपोर्ट में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका कोई इंपैक्ट नहीं लिया गया, न इसका प्रोविजन है न कंटिन्यू लायबिलिटी है, बट ऑडिटर्स के नजर में ये आ जाए फ्रॉम थर्ड इंफॉर्मेशन, और भाई तो कंपनी का गोइंग कंसर्न इफेक्टेड हो जाएगा, इतना बड़ा डिमांड आ गया है, अभी सूट फाइल हुआ ही है या ईयर भी खत्म हो गया है, तो वहां पर ऑडिटर्स की एक ड्यूटी कास्ट कर दी गई है कि आप अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में हेड बनाओ अदर इंफॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन इसको हाईलाइट कर दो। ये अब चालू हुआ है प्रोबेबली 2019 से, जो कि इनफैक्ट विष्णु ने मेरे को सब्जेक्ट दिया तो मैं पढ़ने लगा तो मेरे दिमाग में आया, पहले हमारे से मिसिंग था कि भाई अदर माने ऑडिटर तो पहले से बेचारा ऐसे ही मरा हुआ है, और देखो डायरेक्टर्स रिपोर्ट देखो, पेपर देखो, रिपोर्ट देखो, सेबी को देखो, स्टॉक एक्सचेंज को देखो, भाई कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप ये जजमेंट लेते हो अरे ये तो गोइंग कंसर्न, ये तो कंपनी का बंटाधार होने वाला है, तो यू कैन नॉट कीप मम, वो एविडेंसेस लेके आपको अदर इन्फॉर्मेशन डाल देना पड़ेगा। अब सब्जेक्टिव इशू है कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, कब मिली, वो एक अलग बात है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जैसे कंटिन्यू एक मैं बता रहा हूं आपको, ओनली डे बिफोर यस्टरडे कोटेड कंपनी की डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डाटा जो है 19-20 की जगह 18-19 का छपा हुआ है पूरा।
अब डायरेक्टर्स रिपोर्ट दे रहा है और फिगर जितने हैं वो हुआ क्या, कट पेस्ट में हो गया वैसा, वो 19-20 वाला नहीं चके, वो 17-18 का आ गया 20 में। अब स्टेक होल्डर जो पढ़ेगा, रही क्या बात है, ये सेम चीज है, सेम प्रॉफिट लास्ट ईयर, इस बार भी प्रॉफिट, ये क्या बात है। वहां पर जो है अदर इन्फॉर्मेशन छोटा लाइन डाल दो भाई कि डायरेक्टर रिपोर्ट कन्वेज द डिफरेंट फिगर देन द प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट, दिस इज फॉर इन्फॉर्मेशन। माने कहने का मतलब ये हो गया कि ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पारावाइज जो है और धीरे धीरे जो है कंबर सम होती जा रही है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कमिंग फ्रॉम द नॉर्मल फॉर्मेट। अब कारों में चलते हैं, कारों में अपने आप कहानी है, बहुत सी कहानी है। कई ऑडिटर जो है अभी काशी जी बता रहे थे सब एज पर इंफॉर्मेशन गिवन बाय द मैनेजमेंट वी सर्टिफाई। सो ये इंस्टीट्यूट व्यू सेपरेटली लेती है। जैसे आप एक स्टॉक की बात करते हैं, बहुत सी बैलेंस शीट में आपको मिलेगा इन्वेंट्री में कि एज वैल्यूड एंड सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट। दिस इंडिकेट्स द ऑडिटर हैज नॉट कैरीड आउट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। काशी जी आपने पहले एक बार बताया था मेरे को कि इफ वी राइट एज सर्टिफाइड बाय मैनेजमेंट इन्वेंट्री, इसका मतलब जो है दूसरा हो गया। तो भाई साहब आपने तो काम नहीं किया, जो मैनेजमेंट बोल दिया आप कर लिए, ये करेक्ट नहीं है। दिस इज व्यूड सीरियसली, यू हैव टू कैरी आउट योर। भाई कैश बैलेंस को तो आप समझ सकते हैं, कैश बैलेंस आज कर लेंगे, बैक कैलकुलेशन कर लीजिए, इन्वेंट्री को आज कर लीजिए, बैक कैलकुलेशन कर लीजिए, बट यू कैनॉट राइट एज सर्टिफाइड द मैनेजमेंट। आपकी आप मेंशन करो बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज नॉट बीन क्लियर फ्रॉम दिस वन। यू हैव टू फॉलो मेटिकुलसली What are our guidelines that has to follow? Otherwise, you will be in trouble. क्योंकि जब नोटिस आई हमारे पास employees benefit की, एक तो नोट नहीं दिया, उसमें सारे डायरेक्टर्स को भाई साहब को प्रोसिक्यूशन करने की नोटिस आई, देन आई हैव टू रश टू द ROC फॉर कंपाउंडिंग, उनको बचा के इससे निकाला हूँ, ये लास्ट 6 महीने पहले बात करो। इसका मतलब क्या हुआ कि हेयर एंड देयर कहीं मिसिंग हो जाएगी। अभी ठीक है, लास्ट 35 साल की प्रैक्टिस में ये बात सही है काशी जी कि बहुत ज़्यादा ROC से नोटिस नहीं आई, और यही कारण है कि आई हैव बैलेंस शीट ऑन माई टेबल, जहां आश्चर्य हो जाएंगे वहां लिखा हुआ कन्वर्टिबल कंपल्सरी डिबेंचर, एक लाइन है बैलेंस शीट में, 10 करोड़। न तो उसका यह है कि कितना फेस वैल्यू है, न ये है कि कभी कन्वर्ट होगा, न रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैंने पूछा मैनेजमेंट को, सर ये CCD तो इसका इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं करते हैं। बोले नो, इसका इंटरेस्ट का प्रोविजन जब मेच्योर होगा ना 10 साल बाद तब करेंगे। हम बोले ये कैसे कर लेंगे, इनकम टैक्स आपको छोड़ देगा क्या? तो वो दैट ए पार्ट, बट जैसे आपकी कोई चीज आती है उसको चीज ही नहीं बोलेंगे, साइलेंट रह जाएंगे, तो फिर जो स्टेक होल्डर है बेचारा यूज कर रहा है वो कहाँ से मतलब जो पता लगेगा। अब जैसे मैंने बताया कंटिन्यूअली कारों में कंटिन्यू लाइबिलिटी में कई बार हाँ ड्यूटी हैज बीन पेड, और उधर में जो है आपका इनकम डिपार्टमेंट की जो वकील सब ऑडिटर बोलते हैं कि सब मैनेजमेंट दे दिया ले लिए, वो देख लीजिए हर प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहता है, लाइन लिख दीजिए अंडर द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्योंकि ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है ऑडिटर्स रिपोर्ट की होती है, आप ये बोल सकते हो कि मैनेजमेंट नोट्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट का है, हमारा कोई लेनदेन नहीं है, बट ऑडिट रिपोर्ट तो आपकी है। ऑडिट रिपोर्ट में मैंने ऐसी ऐसी चीज देखी गई है कि वो लिख देते हैं ऐसी चीज जो लोन हैज बीन गिवन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185-186 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बैलेंस शीट में लोन ही नहीं है। माने इससे ये क्या है कि कारों का जो पॉइंट अपने 20 पॉइंट है, एक तो मेटिकुलसली इसको देखो क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ है। अभी वो इन्वेंट्रीज का है, चाहे लोन का है, इन्वेस्टमेंट का है, आपके उसको क्या बोलते हैं कि मतलब रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन्स है, डिस्प्यूटेड टैक्स है, अनडिस्प्यूटेड टैक्स है, पब्लिक इशू का पैसा है, बैंक, आप देखो बैंक से लोन है, ठीक है। एक कारों में रिपोर्ट आती है कि लोन फ्रॉम द बैंक हैज बीन यूटिलाइज फॉर द पर्पस इट हैज बीन टेकन। राय का भैया यहाँ पैसा लोन लेता है कैश क्रेडिट में, एकदम शेयर मार्केट घुसा देता है, ऐसा पता नहीं चलता है। सो देयर यू हैव टू बी केयरफुल दैट, या तो मैनेजमेंट सर्टिफिकेट ले लो कि भी टर्म लोन है। आई फाउंड वन केस अंडर सेक्शन 14A कि भैया ये इंटरेस्ट जो है आपने PL में डेबिट कर लिया, जबकि हम बोल रहे हैं ये कार लोन है, तो कार लोन तो कार पे लगेगा, दूसरी जगह नहीं लग सकता, लेकिन खाली टर्म लोन है तो टर्म लोन तो कंपनी कहीं भी यूटिलाइज कर लेती है। तो वो सब रिपोर्टिंग जो है आप उसके
बैकग्राउंड में पेपर रख के अपनी ये सब रिपोर्टिंग, मैं कहने का मतलब रिपोर्टिंग को लैंग्वेज वर्स्ट टू वर्स्ट में ऐसी सुना जाए तो आप कन्विंसिंग रिपोर्ट ना दें, ऐसी भाषा लिखें जिसमें आप अपने को मैन्यूवरिंग कर सकें, उसके मीनिंग को ऐसा कर दें ताकि ये लगे कि हाँ भाई पॉइंट्स मैंने दिया है बट ये फेवर में भी है नॉट फेवर में भी है, जहां पर आपको कुछ ऐसा अनसर्टेनिटी लगती है कि भाई नहीं क्या करें हमको। अब आप एनबीएफसी का लास्ट क्लॉज है द कंपनी रजिस्टर्ड ऑन एनबीएफसी, अब यहाँ पंगा होता है, आप बैलेंस शीट देखते हो तो भाई साहब लोन है, इन्वेस्टमेंट है, शेयर है और एनबीएफसी रजिस्टर्ड है नहीं, वहां फंसता है ऑडिटर। लास्ट में क्या करता है कि वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड ऑन एनबीएफसी, इफ यस और नॉट, अब वहां पर आता है दिक्कत कि भाई देख तो रहा है कि ये तो मार्केट में पैसा लगा रखा है, इंटरेस्ट इनकम पीएल में आ रही है, शेयर मार्केट में पैसा लग रखा है, डिफरेंस वहां पर कैपिटल गेन का आ रहा है, वायलेशन अपरेंटली दिख रहा है। तो अगर वो लिख देता है कि हाँ लेने वाला था नहीं लिया तो वैसा आरबीआई में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो वो अलग परमिटेशन चले जाते हैं और उसके उसके कंपोनेंट अलग हो जाते हैं, और आप अगर नहीं मेंशन करते हो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ गई, अरे ये तो लेने वाला था आपने लिख दिया कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। वहां पर हम लोग कई बार ये सजेस्ट करते हैं कि मैनेजमेंट को बोलो एक नोट डाल देगी अपने नोट्स ऑन अकाउंट में कि भाई ये जो चीज है हमारा पावर का प्लांट था या पेपर का था या चाय का था, चीनी का था, दवाई का था, टाइल्स का था, किसी का प्लांट था, फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास फंड अवेलेबल है, हम उस प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, टेम्प्रोरी फंड हमने शेयर मार्केट लोन में दिया है टू अर्न द इंटरेस्ट नॉट विद इंटेंशन टू कैरिंग आउट द एनबीएफसी एक्टिविटीज। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नोट देने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, बट कुछ तो बचा हो जाएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल में नोटिस आएगी तो अपने वो झेलना ही है। तो उस दृष्टिकोण से भी देखेंगे कि कारों की रिपोर्टिंग में भी बहुत चीजें ऐसी होती है जो अगेंस्ट में है, पीएल में सेल्स है ही नहीं, देयर इज नो, क्या सर्विस इंडस्ट्री है या इंटरेस्ट है या सर्विस चार्जेज है या कोई सर्विस इंडस्ट्री से पैसा आ रहा है, पॉलिसी में लिखा हुआ है सेल्स इज बीइंग अकाउंटेड फॉर नेट ऑफ जीएसटी बेसिस, बड़ा से लगता है भाई कि जब सेल्स है नहीं उसकी पॉलिसी भी दे रहे हैं और सर्विस की पॉलिसी है नहीं। सो ये जो पिटफॉल्स नॉर्मल केसेस में देखे गए हैं इसको आपको वेरी मेटिकुलसली इशू की गाइडलाइन के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉन्सोनेंस करके देखिए कि वो प्रेजेंटेशन जो है ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कुछ ऐसा है तो उसको पॉलिसी में मेंशन कर दीजिए, पॉलिसी में मेंशन अगर कर देते हैं तो ठीक है, उसके बाद अपने ऑडिट रिपोर्ट को उसी हिसाब से ढाल लीजिए, कारों में उसको कर दीजिए, जहां कारों लगता है मोर और लेस बहुत से ऐसी रिक्वायरमेंट है जो बोली जा सकती है, लोन की है, इन्वेस्टमेंट की है, आपने लिया कि नहीं लिया। तो ये जो नॉर्मल डे टू डे अफेयर्स में देखी जाती है कि मिस्टेक आती है इसको अपने को मेटिकुलसली फॉलो करके राइट फ्रॉम प्रेजेंटेशन से लेके अकाउंटिंग पॉलिसी से लेके नोट्स ऑन अकाउंट से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक छोटी मोटी मिस्टेक रह जाएगी, क्लरिकल एरर रह जाएगी, यहां तक कि अपने इशू की गाइडलाइन दिया हुआ है कि ईच एंड एवरी नोट में रेफरेंस ऑफ द नोट शुड बी गिवन, इफ पॉसिबल रेफरेंस ऑफ द पेज नंबर शुड बी गिवन, और एटलीस्ट नंबर पर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है एक लाइन दे दिया, और रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर कहां से पढ़े, बोरोइंग से पढ़े, तो आप बोरोइंग के नीचे लिख देना चाहिए रेफर नोट नंबर 18, 16, व्हाटएवर इट इज। सो क्रॉस रेफरेंस ऑफ द नोट्स कपल्ड विद द फैक्ट्स ऑफ द फेस ऑफ द बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट शुड बी स्टेटेड सो एज टू फैसिलिटेट द रीडर टू अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैपेबली, मोर लेस ये सारी बातें हैं। और ऐसे तो इतने पिटफॉल्स हैं कि अगर दो घंटा हम बोलते रहेंगे तो हो जाएगा, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग विष्णु इसमें ऐसा कर लेते हैं कि और कोई मेंबरों के, बिकॉज दिस इज इंटरेक्टिव सेक्शन, यू नो कि वी आर टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, तो आई वुड लाइक जैसे हमारे यहाँ पर पवन अग्रवाल जी हमारे मेंबर यहाँ पर हैं मीटिंग में, इज को मेंबर ऑफ FRRB, he was very kind to help me in various issues whenever there is a controversy in accounts. I think if he is there, he can also supplement some of the points for pitfalls regarding both accounts presentation audit report. Vishnu ji, member se request kiya jata hai ki unke kuch bhi queries ho to please hand raise karein. So that हम उन्हें अनम्यूट कर सकेंगे और अपने भी क्वेश्चंस को प्लीज आप बताएं, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं सर, जब तक अपने उसको ले सकते हैं। रोहित, रोहित है क्या? अशोक महसूर जी भी ज्वाइन कर रखे हैं, केपी भी ज्वाइन कर रखे हैं, पवन अग्रवाल जी भी हैं, रोहित
बोले भैया। हाँ एक एक क्वेश्चन ले लो ना, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है भैया। फर्स्ट क्वेश्चन है भैया प्रमोद जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज द शेड्यूल 3, इवन इफ देयर इज नो एमएसएमई आउटस्टैंडिंग डू इट इवन रिक्वायर्ड टू शो इट एज नील? ट्रेड पेबल रिक्वायर्स, यू आर बाउंड टू स्टेट व्हाट कंस्टिट्यूट योर ट्रेड पेबल। इफ यू हैव एमएसएमईडी यू मेंशन, इफ यू डू नॉट हैव एमएसएमईडी देन यू स्टेट नील, बट यू कैन नॉट कीप मम। You are bound to disclose under trade payable dues to MSMED, nil. Other than MSMED आएगा ना भाई, आपका trade payable है मान लो 1 crore का है, MSMED मान लो nil है। तो जैसे पहले अगर मैं debtors का example दूं आपको कि more than 6 month less than 6 month, तो ऐसा थोड़े कि more than 6 month होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन trade payable में MSMED है तो दीजिए, ना तो मत दीजिए, बट स्टेटमेंट जरूर देना पड़ेगा। यू कांट कीप मम एज पर रिवाइज शेड्यूल। ओके सर, थैंक यू। अभी ये सेकंड क्वेश्चन है आकाश संगई जी का। सर इवन इफ द अमाउंट इज नील वी नीड टू डिस्क्लोज इट इन द फेस एज नील, बायफर्केशन इज नेसेसरी? व्हिच बायफर्केशन? ट्रेड पेबल। आकाश संगई जी भैया उनका बोलना है कि अगर कोई अमाउंट नील है तो क्या हम लोग को फेस पे नील लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा, कि बायफर्केशन अलग से लिखना होगा, कैसे वो पूछे वो पता नहीं, वो है नहीं शायद। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। देखो अगर हमारी बैलेंस शीट में 15 एसेट्स है, 15 लायबिलिटीज है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमारा या फॉर्मेट 3 ये नहीं बोलता है कि आपको सारा देके नील 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 करना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं भाई। आपके यहाँ फिक्स्ड एसेट्स है नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट है नहीं, सीधे इन्वेस्टमेंट में है तो आप सीधे इन्वेस्टमेंट दे देंगे। ओके, अदरवाइज की दरकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट विष्णु तुलसियन जी। हाँ जी। इवन इफ यू डू do not have any transaction with any related party, then whether we have to wrote about KMP? Yes, yes, there you are. AS Akin requires that even if you do not have any transaction with KMP, but the name of KMP and all the related parties where control exists, you have to state the name, like subsidiary, associate, joint venture, even if there is no transaction there. It is the name of KMP, iska matlab kya ho gaya ultimately? अर्थात किसी भी कंपनी में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में केएमपी का नाम तो आएगा ही आएगा, आपका ट्रांजैक्शन हो या ना। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अनिल कुमार आचार्य जी। स्टैंड ऑन बैलेंस शीट साइंड ऑन 25th अगस्त एंड सीएफएस साइंड ऑन 2nd सितंबर, वेदर सेपरेट बोर्ड मीटिंग रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल ऑफ स्टैंड ऑन सीएफएस? सी बेसिकली अंडर सेक्शन 129 में देखो क्या हो रहा है कि जो बैलेंस शीट डायरेक्टर्स प्रिपेयर करते हैं दैट आर बाउंड टू बी लेड इनटू द एजीएम एंड इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों का अप्रूवल जो है वो एक ही बोर्ड मीटिंग में होता है और दोनों की दोनों उसी हिसाब से एजीएम में लेड की जाती है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि साहब स्टैंड अलोन हो गया और कंसोलिडेशन के लिए आप समय लेके फिर से बोर्ड मीटिंग करना चाहते हैं, तो उस स्टैंड अलोन को लेके और एसोसिएट कंपनी को लेके सीएफएस का अगर आप बोर्ड मीटिंग दोबारा करना चाहते हो तो भले कर सकते हैं, लेकिन एजीएम में दोनों एक साथ प्लेस करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ प्लेस करना पड़ेगा और वहां आपको एक प्रैक्टिकल दिक्कत आएगी जब आप एओसी 4 भरने लगेंगे ना, सीएफएससी 4, वहां पर जो है वो डेट ऑफ अप्रूवल मांगता है और डेट ऑफ अप्रूवल अगर स्टैंड अलोन में दूसरी देंगे और सीएफएस दूसरी करेंगे तो वो डिफरेंस के चलते एरर जनरेट करता रहेगा। वो आपका वर्चुअली प्रैक्टिकल एंगल से देखा जाए तो एक ही बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होगा और एक ही एजी में दोनों अप्रूव होगा, अलग अलग नहीं हो सकता, अलग अलग नहीं हो सकता। इसमें एक पॉइंट इसका सीएफएस का अलग था ना सर, फिर इसकी बोर्ड डायरेक्टर रिपोर्ट तो वही रहेगी। डायरेक्टर रिपोर्ट की कंसोलिडेशन की अलग से नहीं बनती सर। डायरेक्टर माइंड इट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट इन ए कंपनी इज नॉट वन फॉर स्टैंड अलोन, वन फॉर कंसोलिडेशन, नो, इज ओनली वन डायरेक्टर्स रिपोर्ट इन द फाइनेंस स्टेटमेंट, नो सेपरेट डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट, माइंड इट।
नो कारो इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेंस स्टेटमेंट, कारो इज रिक्वायर्ड फॉर स्टैंड। सी मैंने सारा चीज कवर नहीं किया, ये कंपनी जैक्ट की बातें हैं, कभी कंपनी जैक्ट का मौका मिलेगा तो मैं और एक घंटा बोल दूंगा, अलग बात है। स्टैंड अलोन की बैलेंस शीट के साथ डायरेक्टर्स कोर्ट जाती है, कारो जाती है इफ एप्लीकेबल, सीएफएस के साथ कारो नहीं जाती, उसके अलग से डायरेक्टर्स कोर्ट नहीं जाती। ओके सर, थैंक यू। एनी पार्टिसिपेंट एनी क्वेश्चंस? सीएफएस चैप्टर पॉइंट बहुत अच्छा दिमाग लगा। एक चीज और बताता हूँ खाली, मतलब आउट ऑफ वे में अशोक असेंबली, इस बार जो बजट आया काशी जी, थोड़ा समय जैसा इसमें एक बात बोलता हूँ कि जैसे कई बार ये कंफ्यूजन होता है मेंबरों को कि कारो लगेगा कि नहीं लगेगा, कैश फ्लो लगेगा कि नहीं लगेगा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगेगा कि नहीं लगेगा, और तीनों के पैरामीटर्स अलग अलग है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है। क्या है कि कारो का स्मॉल कंपनी अलग डिफाइंड है, कैश फ्लो के लिए स्मॉल कंपनी अलग डिफाइंड है, आईएफसी के लिए अलग अलग डिफाइंड, मतलब क्या सबका टर्नओवर किसी में 50 करोड़ किसी में 25 करोड़ किसी में 10 करोड़ है, तो वो कई बार जो कंफ्यूजिंग होता है कि भी कौन सा किस में लगेगा। ऐसे अभी सीतारमन ने इस बजट में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जो है वो आज मैं निकाल के देख रहा था कि पहले की डेफिनेशन तो मुखस्थ रखी है, एवरीबडी नोज की 50 लाख रुपए की पेडअप कैपिटल और 2 करोड़ रुपए की टर्नओवर, भाई साहब इतना के नीचे है तो स्मॉल कंपनी, इससे आगे गए तो अदर देन स्मॉल कंपनी, पर अदर देन स्मॉल कंपनी है तो फिर सारे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 और AS18 सारे वो लगेंगे, अगर स्मॉल कंपनी है तो कैश फ्लो बनाने दरकार नहीं है। हमको एक बात खाली सोच रहे हैं कि इस बार जब 2021 की ऑडिट करेंगे तो इस बार बजट में 1 फरवरी को सीतारमन जी ने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को बहुत बड़ा कर दिया अंडर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 285 ऑफ द कंपनीज एक्ट। स्मॉल कंपनी 50 लाख 2 करोड़ समझा हुआ था, 50 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल को वो लोग ले गए हैं 2 करोड़। अब 50 लाख रुपए की कैपिटल को मान ही नहीं रखा सब, मोदी का जमाना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रही है, 2 करोड़ की पेड अप कैपिटल और 20 करोड़ का टर्नओवर, 2 करोड़ की कैपिटल तो यू आर स्मॉल कंपनी, कैश फ्लो की आवश्यकता नहीं है। बट ये अभी मैं आज ही निकाल के देख रहा था, ये नोटिफिकेशन आया है टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1st day of April 2021। सो इन माई कंसिडर्ड ओपिनियन 21 वाली बैलेंस शीट में तो वो पूरा नहीं लगेगा, लेकिन 21-22 में आने वाले समय में आपका आईएफसी कैश फ्लो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर माने स्मॉल, आप समझ रहे हैं 20 करोड़ भी बात है, 20 करोड़ को छोटा मोटा बड़े क्रिटिकल करते हैं कि जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसमें है नहीं, तो हम लोग आने वाले समय में इन डेज को छोड़ वी विल बी द ऑडिटर ऑफ स्मॉल कंपनीज ओनली, तो सीएफएस का और जो कैश फ्लो का और कारो का और इसको इसको क्या बोलते हैं कि मतलब जो है आपके ऑडिट का, ये सब के पैरामीटर जो है थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि टर्नओवर जो आपके 20 करोड़ हो गए 2 करोड़ कैपिटल हो गई, वैसा स्मॉल कंपनी में आ गए, स्मॉल कंपनी में तो कैश फ्लो दरकार नहीं है, एफसी दरकार नहीं, अदर देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, माइंड इट पब्लिक लिमिटेड कंपनी बात है 50 रुपए की भी होगी ना तो आपको वो सारे लग जाएंगे, ये स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन होते हैं अदर देन पब्लिक कंपनी के। सो इफ यू हैव ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देन दिस लिमिट अप्लाई, अदरवाइज इफ यू हैव ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो साहब 1 लाख रुपया की हो 5 लाख रुपया की हो तो भी सारे के सारे लग जाते हैं। ये 4AS की बात करो, मीडियम साइज कंपनी का, अब AS किसको लगते हैं वो अलग है, मीडियम साइज स्मॉल साइज कंपनी वहां पर है साहब 10 करोड़ का है, कि 10 करोड़ का लोन होने से आप स्मॉल में अगर 10 करोड़ ज्यादा हो गया तो कहने का मतलब है कि जो आप रिपोर्ट बनाएंगे जिस कंपनी का काम करेंगे पहले तो उसका करेक्टर डिसाइड कीजिएगा कि AS है कि इंड AS है, AS है तो स्मॉल कंपनी है कि नहीं है, मीडियम साइज कंपनी है कि नहीं है, कौन से स्टैंडर्ड लगेंगे, इसका क्या फॉर्मेट लगेगा उसके हिसाब से। अब देखिए फॉर्मेट की बड़ी विचित्र बात है, आप NBFC को देखें अभी तक हम लोग को बैलेंस शीट मुखस्त हो रखी है क्या, करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज, जैसे NBFC कंपनी बन रही है वो आ गया मालूम है क्या उसका परफॉर्मेंस चेंज हुआ है, फाइनेंशियल एसेट्स नॉन फाइनेंशियल एसेट्स इंडेक्स की, माने अब करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट और करंट एसेट खत्म,
अब आ गया फाइनेंशियल एसेट्स, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। तो अब तकलीफ क्या होती है, और एक चीज बता रहा हूँ, कंसोलिडेशन करते समय एक पॉइंट में मिस कर गया था कि जब कंसोलिडेशन फाइनेंस स्टेटमेंट बनती है ना किसी एक कंपनी के ए के साथ बी की, तो परफॉर्मा ए का लगेगा। तकलीफ आपको तब आएगी, ए है एनबीएफसी और बी है नॉर्मल कंपनी, उधर में कंसोलिडेशन करना है। इंस्टीट्यूट और स्टैंडर्ड बोलती है कि इसको एनबीएफसी के हिसाब से करो। एनबीएफसी का मतलब हो गया फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, जिस कंपनी को मर्ज कर रहे हैं वहां पर करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स। तो आपको सारे आइटम्स को लेकर छानना पड़ेगा कि कौन सी फाइनेंशियल एसेट्स, कौन से नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है। Then only you will be able to prepare the NBFC as required under Ind AS. Otherwise, it is very difficult. And vice versa, आप किसी कंपनी को consolidation कर रहे हैं, वो NBFC है, वो NBFC के बैलेंस शीट है, financial assets, non financial assets. आपको consolidation करनी है तो करंट assets, non करंट assets. तो हर financial asset, non financial assets आपको choose करना पड़ेगा कि भाई ये करंट assets है कि non करंट assets है, ये करंट liability है कि non करंट liability है। तो ये थोड़े से डाउटिंग टास्क हो जाएंगे आने में कंसोलिडेशन करते समय, बट रूल इज रूल, वी हैव टू फॉलो। राज रुंगटा जी हैंड रेज कर रखे थे, राज रुंगटा जी, राज जी, अच्छा सर एक चीज और बताए ना, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट में दो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, अदर अदर मैटर्स एंड इंपेसिस ऑफ मैटर, इस दोनों लाइन में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या थ्री लाइन डिफरेंस है, और कब कब किसको कब अप्लाई करना चाहिए? अदर मैटर में नॉर्मली यही बोला गया है कि इफ यू आर ब्रांच ऑडिटर, आपने नहीं किया है तो उसको मेंशन करो अदर मैटर में। अगर दूसरे ऑडिटर ने पिछले साल किया, आपने किया, वो अदर मैटर में। इम्फेसिस ऑफ मैटर में अगर मैनेजमेंट नोट दे दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने भाई साहब 1 करोड़ लोन दिया था, इस बार हम राइट ऑफ कर दिए हैं, और हमारा कंसिडरेशन ये है कि इन द कॉन्शियस ओपिनियन ऑफ द मैनेजमेंट ये 1 करोड़ रुपया मेरा डूबेगा, इसलिए हमने प्रोविजन कर दिया। But you as an auditor wants to highlight this in the audit report, there will go the emphasis of matter. Emphasis of matter in itself shows that you want to emphasize ki this matter is very relevant for the purpose of understanding the financial statement. Agar aapki koi bank guarantee invoke kar rahi hai, wahan par simply mention kar diya hai aur uska koi impact nahi hai, you can withdraw the attention of stakeholder by putting those matters under emphasis of matter. ये emphasis of matter अदर मैटर में ये क्वालिफिकेशन नहीं है, ये है रिपोर्टिंग पैटर्न। क्योंकि आप मॉडिफिकेशन देंगे, नेगेटिव देंगे, क्वालिफिकेशन देंगे, तो आपको 705 और 706 के हिसाब से देना पड़ेगा। नॉर्मली 700 में अदर मैटर, emphasis of matter और अदर इंफॉर्मेशन मैटर यू कैन गिव इन द रिपोर्ट डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। इफ यू वांट टू एम्फसाइज देन यू हैव टू गिव इट इन द emphasis matter। इसका मतलब सब कि अदर मैटर एक तरह से इंफॉर्मेटिव नेचर का हो गया, और इन्वेस्टमेंट मैटर जिसमें कि फाइनेंस भी आपका इफेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर ऑडिटर का क्या अपना व्यू है, कंसीडर्ड व्यू वो देने का है, वो देना चाहिए। और उसमें ये लिखना चाहिए लास्ट में कि आवर रिपोर्ट इज नॉट मॉडिफाइड टू दैट एक्सटेंट, माने क्वालिफाइड नहीं है, आप हाईलाइट करना चाहते हो भाई ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा बोल देने से एटलीस्ट ऑडिटर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, थोड़ी कम हो जाती है। भाई ऐसा एकदम साइलेंट रह गया, इसका मतलब ये नहीं पता लगता है कि उसने देखा भी है या नहीं भी देखा। एक क्वेरी आ रही है हमारे पास, हाउ टू गिव नोट व्हेन देयर इज टैक्स लायबिलिटी व्हिच इज मोर देन नेट वर्थ। मेंशन कीजिए, आपके पास सर्च हो गई, इनकम टैक्स रेड हो गई, और रेड होने के बाद आपके पास 100 करोड़ की डिमांड आ गई, आपकी वर्थ इतनी नहीं है, और किसी कारण से वो जेन्युइन इनजेन्युइन डिमांड अलग है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, नॉट ओनली नोट, वेदर आई वुड एडवाइज the going concern concept may be affected under the circumstances if the tax liability is more than net worth, not only disclosure, even the going concern concept will be affected in that case, and that has to be first light of the stakeholder. And wo note kaise de sakte hain aap, bakayda management ko management bolte nahi dengi, to wahan par abhi Vishnu ne pucha emphasis on the matter, wahan dal dijiye bakayda ki going concern concept may be affected by virtue of the disproportionate demand by the income department, although which is being disputed by the company so. But auditors ko, see, basically kya hai, aaj ke din ye companies ek pehle wali baat nahi hai ki sab standard performance bharti hai, yes no kar dijiye. You can modify your report, drawing the attention of the stakeholders, put forward your thoughts and points on the subject so as to state that the auditor was conscious to take into cognizance of these factors, and then the report has been issued. Silent will not be sufficient.
राज रुमटा जी ने हैंड रेज किया है, काइंडली से पूछिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप स्पीकर सर से। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दो बात है, एक तो छोटी बात यह है कि जो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है वो एज ऑन बैलेंस शीट डेट देखेंगे या एज ऑन द साइनिंग ऑफ द बैलेंस शीट देखेंगे? नहीं नहीं, एज ऑन बैलेंस 31 मार्च, ईयर एंडिंग साइन तो आप 2 महीना में करो, 4 महीना में करो, बिकॉज यू आर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल ईयर, यू आर नॉट रिपोर्टिंग ऑन द डेट ऑफ योर रिपोर्ट। योर डेट रिपोर्ट मे बी अप्रैल मई जून जुलाई टिल यू टाइम परमिट्स, बट यू आर ऑडिटिंग ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एंड दैट फाइनेंशियल ईयर में। अब एक बात देखो बताता हूँ, 31 मार्च को लेटर सपोज कोई सब्सिडी थी और अब नहीं रही, या सारे साल में नहीं थी, 31 मार्च को एसोसिएट होगी सब्सिडी आ गई, तो आपके सारे कानून जो है 31 मार्च के एग्जिस्टिंग के हिसाब से लग जाएंगे। तो आपकी रिपोर्ट जो है स्मॉल कंपनी का कैरेक्टर हो या और कोई नेटवर्क की बात हो, दैट विल बी विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल ईयर, नॉट बेस्ड ऑन ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, एक चीज और बताइए कि ये जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है 20% का, ये ड्यूरिंग द ईयर एट एनी टाइम होने से होगा या एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर होने से होगा? ना, 20% वाला ड्यूरिंग द ईयर एनी टाइम होने से आपका हो जाएगा। अगर सारे साल में उसमें लिखा हुआ CFS में कि अगर आपकी कोई ऐसी एसोसिएट कंपनी है, मान लो सारा साल में 20% थी, एट द एंड ऑफ ईयर नहीं रही, वहां पर प्रोबेबली इफ आई रिमेम्बर करेक्टली वो क्लियर किया हुआ है तो उसके इम्पैक्ट जो है आपके PL&ND में आपको दर्शाने पड़ेंगे। मान लीजिए कि पूरा साल थी, फरवरी में उसकी होल्डिंग जो है वो डाइल्यूट हो गई, फरवरी में अगर डाइल्यूट हो गई, आप बोलना चाह रहे हो कि 31 मार्च को उसका कैरेक्टर एसोसिएट का नहीं रहा, राइट? तो नॉर्मली क्या है कि वो बनती तो है CFS एज ऑन क्लोजिंग डेट के हिसाब से, बट उस केस में लिखा हुआ है कि द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आइटम हैज टू बी सेपरेटली स्टेटेड इन द नोट्स, ड्यूरिंग द ईयर इट वॉज एसोसिएट कंपनी विच हैज बीन डाइल्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर 100% एंड देयर बाय इट इज आउट ऑफ द क्लच ऑफ सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, नोट्स में आ जाना चाहिए। इज इंपैक्टेड इन द प्रॉफिट अकाउंट को इसको चार्ट बना के देनी पड़ेगी आपको। अच्छा, एक तीसरा क्वेश्चन है कि जो ट्रेड पेएबल में जो MSME का जो बायफर्केशन देना है, तो ये बायफर्केशन क्लाइंट को खुद को ही नहीं पता है कि हमारे यहाँ कौन कौन सी MSME है या नहीं है, तो ऑडिटर कैसे उसको आइडेंटिफाई करेगा? Presentation of financial is the prime responsibility of the management who are being charged with the preparation of financial statement. अब अपने आ जाते हैं कि on that basis what we do, we go and examine the documents and based on the document evidences we certify this true and correct. अब आप बताइए कि जैसे डेटा का 6 महीना के लेस और 2 महीना के लेस, उसमें क्या करते हैं? क्या वो तो ठीक है, डेटा से मिल जाता है। अब MSME की बात यदि करें, देखिए नहीं मिलता है तो फिर मैनेजमेंट कैसे देगा? तो आप उसको बकायदा इंफेसिस डॉक्यूमेंट में डाल दीजिए, ट्रेड पेबल में लिख दीजिए अदर देन नील करके, वहां पर लिख दीजिए रेफरेंस देके कि द मैनेजमेंट हैज नॉट बीन एबल टू एसर्टेन द ड्यूज फ्रॉम द MSME इन व्यू ऑफ द वांट ऑफ द डिटेल्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पार्टी है। और पहले आपको ध्यान में जानू, पहले कैसा आता था कि वहां पर एक वर्ड लिखा जाता था कि एंड द ऑडिटर हैज रिलायड ऑन द मैनेजमेंट कि भैया ऐसा है कि नहीं है। तो ये तो एक सब्जेक्टिव उससे राजू की उसमें ऐसे मांगने से अगर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं आता तो ये स्टेटमेंट, ये क्या हो गया डिस्क्लेमर, नेगेटिव नहीं हुआ कि आई एम नॉट इन द पोजीशन टू फॉर्म एन ओपिनियन वेदर दिस इज टू द करेक्ट ऑर नॉट इन एब्सेंस ऑफ वांट ऑफ डिटेल्स फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये डिस्क्लेमर वाला में चला जाएगा, बट देना तो पड़ेगा, देना पड़ जाएगा। एक चीज और है लास्ट है, जैसे किसी क्लाइंट का हेड ऑफिस कोलकाता है और उसकी मान लीजिए फैक्ट्री है बैंगलोर में, अच्छा, और बैंगलोर की फैक्ट्री का अकाउंट्स अलग से ऑडिट होता है, वहां का एक ब्रांच, आप उसको बैंगलोर की फैक्ट्री को ब्रांच तो बोल ही सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो वहां से एक ब्रांच ऑडिटर वो रिपोर्ट भेजता है और उसी पर रिलाई करके हम लोग उसको कंसोलिडेट कर देते हैं। कंसोलिडेट नहीं, वो तो मान लो वो तो ब्रांच का तो अपना मर्ज होता है आपके मेन अकाउंट में। हाँ, ब्रांच का रिपोर्ट आ गया यहाँ ऑडिटर का और उसी रिपोर्ट को हम लोग अपनी रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। हाँ, एकदम ठीक है। तो हम लोगों को अपने रिपोर्ट में मेन जो फाइनल रिपोर्ट है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट तो कहीं जा नहीं रही है, ना टैक्स ऑडिट में जा रही है, वो तो सिंपली एक दूसरे ऑडिटर को दे रहा है रिपोर्ट, तो अपना क्या रोल होता है उसमें? उस समय आप हो सकता है कि नहीं करो राजीव, जिसमें मैंने बताया ऐसी केस में अपने इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन 700 रिवाइज में ये बात लिखी हुई है
कि इफ यू आर लाइंग ऑन द ऑडिटर्स वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर और अनदर ब्रांच और योर डिपो और योर स्टॉक फैक्ट्री व्हाट एवर इट इज देन यू हैव टू मेंशन इन द ऑडिटर रिपोर्ट अदर मैटर दैट we have not audited the branch of this company whose net worth is so and so uska performance diya hua hai acha acha there you have to mention SS700 usko consider kiya while preparing my report maan lo ki us report mein aisa negative point aaya hua hai to aapko negative point dena padega jaise for example batate ho ki hamare paas ek to factory hai sitapur mein wahan se auditor kehta hai ki company has not maintained fixed asset register baqaida aati hai तो उसको हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है कि we have not audited this branch has been audited by another auditor और हमारे को कारों में भी उसी की चीज को लेना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर लिखे हुए हैं कि we have considered the branch audit report while preparing our report तो उसके negative point को हम लोग अपने report में डालते हैं but there is another matter there has to specify we have to specify it चलिए धन्यवाद एक क्वेश्चन है सुमित बिहानी जी का वो लिखते हैं कि in case of a startup they are making losses and raising funds then how to deal in the light of going concern how to deal with the light of going concern wo going concern hua kya wo kyunki wo jo startup mein loss kar raha hai wo fund bhi raise kar raha hai dekho loss ka going concern concept se wo different angle hai going concern concept mein loss hota to kya hua bahut si aaj ke din jitni government ki companies hai तो भेल और सेल गेल सारा निकाल लो सारा लॉसेस में चल रहा है तो उनका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से लॉस से इफेक्ट नहीं आता हाँ लेकिन लॉस आपका चलते चलते ऐसी पोजीशन में आ गई कि उस लॉस देखिए पहले बात तो लेटर सपोज आपकी स्टार्टअप 5 करोड़ से बनी और आपका लॉस 4 करोड़ का हो गया तो हु इज मीटिंग आउट दिस लॉस अगर ये लॉस को मीट आउट करने के लिए रिसोर्सेज स्टार्टअप ला रहा है व्यवस्थाएं कर रहा है डायरेक्टर से आ रहा है आधे दिन डायरेक्टर से आ रहा है तो आप उसको चला रहे हो गोइंग कंसर्न इफेक्टेड तब हो जाएगा व्हेन ऑडिटर्स फील कि इन कमिंग इयर्स ये इतना बर्डन हो गया कि ये तो कोलैप्स करने वाला है ये सब्जेक्टिव जजमेंट आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे को मालूम है आज इंडिया में स्टार्टअप खुले होंगे 400-500 और कई स्टार्टअप बंद हो गए तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वहां पर इफेक्टेड हो सकता है प्रोवाइडेड द ऑडिटर हैज द क्रेडिबल एविडेंसेस कि considering these facts and circumstances of the case, they are not in position to meet out these losses, और ये बंद होने वाली है, going concern affected हो जाएगा. Then you have to mention the going concern concept. लेकिन loss चल रही है, बहुत सी ऐसी losses हैं, 8-8 साल, 10-10 साल तक loss में चलती है. Startup तो बनती है शुरू में loss के लिए, वो एक concept ये कि 3-4 साल के बाद ही बेचारा कर पाएगा, इसीलिए तो startup दिया, इसीलिए इसको benefit दी गई है. तो ये standard नहीं हो सकता कि loss होने से going concern affected हो जाएगा. No. लॉस एंड गोइंग कंसर्न भी आग लगी प्लांट लग गया खत्म हो गया प्रॉफिट है तो भी गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो जाएगा ये बंद ही होने वाला है एक आज पावर विंड एक कोई कंपनी में है महाराष्ट्र में पावर पंखा लगा रखा है जिसको क्या बोलते हैं वो विंड पावर विंड फोर अब एक ही पंखा है वो कंपनी उसी पर आधारित है और बड़ा मस्त कमाती है 2-3 करोड़ रुपया पता लगा पंखा ही टूट के खत्म हो गया तो भाई तेरा प्रॉफिट होने की भी गोइंग कंसर्न इफेक्टेड हो गया वो बकायदा लिखना पड़ेगा गोइंग कंसर्न या तो फिर फटाक चक्कर दूसरा धंधा करें तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है इज नॉट सोलली बेस्ड ऑन द लॉस एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी सर लेकिन लॉस इतने हो कि वो कैपिटल इरोड हो जाए और वो जो लॉस है आपके बाहर के लोन से ही फंडिंग हो रही हो तो फिर वो कब तक इसको ऑडिटर देखता रहेगा भैया अगर आपका लॉस चल रही है फिर भी आपको फंडिंग मिल रही है लोन से मिल रही है तो अच्छा है तो फिर अच्छा ही है ना आपको चलाए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं वो एक कहावत है ना कि एक आदमी कुआं खोद रहा था बोला 10 फीट नीचे पानी मिलेगा बोला ना और खोदो 15 फीट मिला रियल एम का हो तो 35 फीट जाके पानी मिला तो आप चेष्टा कर रहे हो लोन ला रहे हो तो गोइंग कंसर्न नहीं हुआ हाँ आप जिस दिन डायरेक्टर भी संकेत कर दे कि अब कहीं से कुछ नहीं हो रहा है जैसे मैंने बताया आपके सर्च हो गए इतना डिमांड हो गया जैसे सर्च केसेस में आज के दिन माई फ्रेंड अशोक विल बी एबल टू टेल दिस कि वंस द सर्च इज देयर ऐसे ऐसे हाउसेज जो खत्म ही हो गए वहां गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है अफेक्टेड हो जाएगा खाली लॉस से नहीं होता लॉस इज नॉट अ सोल क्राइटेरिया मीन यानी कि आपको अनम्यूट किया गया और कोई क्वेश्चन है आपका नहीं भैया मेरा यही था थैंक यू सो मच फॉर दी कंसीडरेशन तो सर मेरा यही था कि बिकॉज इट्स ऑल बेस्ड ऑन एक्सेल शीट एक इन्वेस्टर को डेटा बनाया जाता है और उसके हिसाब से फंड्स रेज किए जाते हैं बट वो कभी एबिलिटी टू रेज फंड वुड प्रॉब्ली बी इम्पेयर्ड ऑन अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि आज ये नहीं पता चलेगा कि नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग होगी कि नहीं होगी तो आप सोचिए कोविड आ गया और वो अभी
reverse side of the business में आ गया तो maybe people would not be interested further to invest. So I understand जो आपने कहा कि apart from fundraising capabilities और भी देखना पड़ेगा कि impairment मतलब is the investment calling for an impairment or not. ऐसा बयानी जी मैं बात कहूँ कई बार कोई भी बिजनेस धंधा करता है ना, कोई भी बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स जो का धंधा करता है ना और वो एस्टेब्लिश करता है सारा रात दिन खपाता है तो लास्ट चांस तक वो लेते रहेगा किसी तरह से कि भाई वो जाए किसी को फंड को लाएगा पार्टनर को लाएगा कैपिटल इशू करेगा ज्वाइंट वेंचर में आएगा प्रॉपर्टी बेचेगा वो करता रहता है. Correct. सारे पैरामीटर्स खत्म हो जाए वो अबाउट टू कोलैप्स है तो इतना तो ऑडिटर को समझ जाएगा कि बंदा जाने वाला है. आपको वो देखना पड़ेगा ऐसा लगे तो आप हल्का रिमार्क दे दो डायरेक्टर्स आर मेकिंग एफर्ट्स टू बेटर ऑर्गेनाइज द कंपनी एंड होपफुली वेलकम इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. आप गोइंग कंसर्न को बचा के चलो एकदम ही सरेंडर हो गया तो फिर आपको देयर इज नो वे आउट यू हैव टू मेंशन द गोइंग कंसर्न इफेक्ट दैट वे. थैंक यू सर. सरिता मित्तल ने हैंड रेज किया है. मैडम आप पूछिए क्वेश्चन अपना. हेलो सर मुझे पूछना था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हमारी इन्वेस्टमेंट डिस्पोजल होती है और परचेज होती है उसको हम अलग अलग दिखा सकते हैं या उसको नेट ऑफ करना पड़ता है. बिल्कुल अलग दिखाना पड़ेगा नेट आउट नहीं कर सकते हैं. आप AS3 के कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो अपनी गाइडलाइन देखेंगे सपोर्टेड बाय द इंस्टीट्यूट एकदम कैटेगरी लिखा हुआ है कि नेट आउट जो है ना वो पारा 23 या 24 AS3 में एक मोस्टली पारा 22 वो खाली नेट आउट उतना सा बोलता है. मान लो किसी कस्टमर से एडवांस लिया हुआ किसी कस्टमर को एडवांस जो है शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है वो दिया हुआ भी है वो नेट आउट हो सकता है. अदरवाइज अगर आपने डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है उससे जो प्रोसीड आई है इट हैज टू बीन शोन सेपरेटली. अगर नेट आउट कर दिया है तो इज ए टेक्निकल वायलेशन ऑफ प्रेजेंटिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट. ऑडिटर्स मे रिपोर्ट अबाउट दैट इट हैज नॉट बीन मेटिकुलसली फॉलोड इन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द इंस्टीट्यूट. और ऐसा हम लोगों ने FRRB में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट ये फिक्स्ड एसेट के बारे में नेट कर देते हैं डिस्पोजल ऑफ एसेट को नेट पर करते हैं इन्वेस्टमेंट को नेट अप कर देते हैं ये ग्रॉस में रिसीट और ग्रॉस में आपका आउटफ्लो ये दिखाना ही पड़ेगा. नेट आउट नहीं कर सकते आप बहुत लिमिटेड है. आप 22 पारा पढ़ेंगे AS3 का वो नेट आउट करना बड़ा लिमिटेड स्कोप है. अदरवाइज ऑल आर हैज टू बी ऑन ग्रॉस बेसिस. एनी अदर पॉइंट्स फ्रेंड्स. पार्टिसिपेंट्स प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस बाय रेजिंग योर हैंड्स और पुट इन द चैट बॉक्स. अशोक भैया कुछ क्वेश्चन है अनम्यूट किया जाए. अशोक अनम्यूट करो. रोहित अनम्यूट करो अशोक भैया को. कर दे रहा हूँ भैया एक मिनट. ओके अशोक जी. हाँ सर. डिलीवरेशन only one point liberty when it is a case of one OPC one person company. Now in the budget also government has encouraged one person company. Now in that case I think all the things the director is interested. आवाज आवाज आ रही है क्या आपकी. क्लियर तो लाइन कनेक्ट करके बोलो. विष्णु कैन यू रिपीट द क्वेश्चन. जस्ट आई वांट टू अशोक जी आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए. इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी. हाँ इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी. हाँ द ट्रांजैक्शंस विद द डायरेक्टर्स. हाँ प्रैक्टिकली ओनली वन डायरेक्टर इज देयर. हाँ then all transactions will be related to water. Yes. And he's the KMP. If I remember correctly, some of the provisions to one person company
in separate sections where disclosures are required for related patent section, which is 188 of the Companies Act. There some exceptions has been given for one person company, because one person is director who is dealing with himself. He is contributing to the capital. He is contributing to the loan to the company. There some exceptions has been given. But prima facie, if transactions has taken place with him, I don't think that there is harm in disclosing that figure. The loan has been taken or loan has been given, because it may affect criteria of one person company. I'm not much sure, because one person company concept has got some different dimension under various section of the Companies Act. Whether you elaborate, we will be able to enrich ourselves. No, practically one person, whenever there is a dealing with the director, practically he is a KMP, then you have to disclose it. Yes, KMP has to be disclosed, or any other concern, anyways, that director is interest, that control where yes. exists, that name of the person yeah. and the name of the company has to be given. Because one person, the director is the KMP, he is the only director. Yes, he is a KMP, yes, the name will be there. Name has to be there. There is name there. He has to disclose. Yes, yes, he has to disclose. The dealing with his related parties disclose compulsorily. Disclose is compulsory. Disclose is compulsory. Even the name, control, where exists, yes. and the transaction. Even if there is no transaction, there again, he has to disclose the KMP name and some yes. of the concerned entities he is interested. Yes, yes. It has to be given. It has to be given. There's one question of Yogesh Patisaria. Has it been taken? Maybe, yeah. Question hai, sir, can you please elaborate more on the auditor's responsibility on contingent liability disclosure? Auditor's report on contingent liability? Yeah. Yes, very question. Well, I tell you, in the auditor's report, there is a section of report on other legal and regulatory requirements. There is a section in the auditor's report that is called as report on other legal and regulatory requirements. And under that heading, one categorically report has to be done by the auditor in respect of contingent liability, which is what is the contingent liability and what is the possibility of outflow from the company. ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है. कंटिजेंट लाइबिलिटी की बात करते हैं कि कंटिजेंट लाइबिलिटी जो है कंपनी की जो है वो नोट्स एंड अकाउंट्स में है, प्रिज्यूम है, तो हम उसमें नहीं जा रहे कि पिटफॉल है. सोचो कि वहां पर जो है कंटिजेंट लाइबिलिटी का मैटर दिया हुआ है. अब क्या कंटिजेंट लाइबिलिटी है कि साहब कंपनी ने सूट फाइल कर रहा है किसी पार्टी पर, या किसी कंपनी पर मेरे सूट फाइल कर रखा है और इनकम टैक्स की डिमांड है, या फलाना एक्साइज की डिमांड है, रेलवे की डिमांड है, बहुत सी कंटिजेंट लाइबिलिटी वहां पर दी हुई है. ऑडिटर्स की क्या ड्यूटी बनती है वहां पर रिपोर्ट एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट में, कि कंपनी ने उस कंटिजेंट लाइबिलिटी का इंपैक्ट डिस्क्लोज किया कि नहीं किया. देखो रिक्वायरमेंट क्या है, ऑडिटर की ड्यूटी क्या बनती है कि वेदर द कंपनी हैज डिस्क्लोज इंपैक्ट ऑन सच कंटिजेंट लाइबिलिटी. अब होता क्या है कि वहां कंटिजेंट लाइबिलिटी को मेंशन कर दिया जाता है बट उसका इंपैक्ट नहीं लिखते हैं. इसीलिए आज के दिन देखेंगे हर कंटिजेंट लाइबिलिटी के नीचे एक नोट आता है. जैसे कि आप एक एग्जांपल देता हूं कि इनकम टैक्स की लाइबिलिटी है या और कोई भी लाइबिलिटी है, एक नोट आता है कि मैनेजमेंट हैज टेकन ओपिनियन ऑन दिस इशू एंड द कंपनी इज वेरी फेवरेबल रिगार्डिंग विनिंग ऑफ दिस केस एंड एक्सपेक्ट नो आउटफ्लो ऑन दिस कंटिन्यू लाइबिलिटी. और इफ समथिंग इज देयर इन द कंटिन्यू लाइबिलिटी, द मैनेजमेंट इज श्योर दैट देयर विल बी नो आउटफ्लो ऑन दिस अकाउंट. और इवन इफ सम आउटफ्लो इज देयर, the management has taken care of by way of earmark investment somewhere to meet out that contingent liability. So hota kya ki not only contingent liability, us contingent liability ka impact kya hai wo auditor ko batana hai. Normally aap dekhenge auditor report mein us contingent liability ke reference ko de diya jata hai wahan par, kahan par, other legal requirement ke segment mein wahan ek line ye likh di jati hai ki the company has disclosed the impact of pending litigation on financial position. वाइड नोट नंबर सो एंड सो, वो नोट में हम लोग क्या स्पेसिफिक डलवा देते हैं
जैसे मान लो कंटिजेंट लायबिलिटी इनकम टैक्स की है, तो वहां लिखता है ये मैनेजमेंट कि द कंपनी हैज टेकन ओपिनियन या ऑन द बेसिस ऑफ रिसेंट केस लॉ जजमेंट ऑन द इशू द कंपनी एक्सपेक्ट्स फेवरेबल डिसीजंस एंड देयर वुड नॉट बी केस आउटफ्लो। कहने का मतलब है जहां जहां कंटिजेंट लायबिलिटी है और वो डिस्क्लोज्ड है उसका इंपैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल इंपैक्ट में, ये बताना पड़ता है। दिस इज द रिक्वायरमेंट बाय द मैनेजमेंट एंड देयर द ऑडिटर विल टेक सब्जेक्टिव डिसीजन कि ये वाले जो इंपैक्ट है ये प्रॉपर डिस्क्लोज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट में वो लाइन लिख देते हैं द कंपनी हैज डिस्क्लोज द इंपैक्ट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी व्हाई नॉट नंबर सो एंड सो। अगर वो नॉर्मली आप किसी भी बैलेंस शीट देखेंगे जहां कंटिजेंट लायबिलिटी है वहां मैनेजमेंट का एक नोट रहता है कि ये कंपनी एक्सपेक्ट नो आउटफ्लो और वो रेफरेंस देके निकल जाएंगे। और अगर कंटिजेंट लायबिलिटी का आउटफ्लो नहीं दिया अगर कंपनी साइलेंट है देन यू आर बाउंड टू स्टेट इन योर ऑडिट रिपोर्ट इंपैक्ट ऑफ सच कंटिजेंट लायबिलिटी, वो देना पड़ जाएगा आपको। आई थिंक आई एम क्लियर। शैलेश जैन जी ने हैंड रेज किया है, शैलेश जी अपना क्वेश्चन पुट कीजिए। Yes, sir. Sir, good to see the whole thing about the this pitfalls and things about this thing. Just wanted to know more from a kind of a net debt perspective, because we are listening this particular term because one of the largest companies have said that the net debts will be zero. And they have made that particular thing successful. So what are the components of that to follow as part of the net debts is something just wanted to understand. Net debt of the company? Yes. So net debt, what do you mean by net debt? Company is having a net debt and that we are discussing here if you have the borrowing. And then that borrowing has to be bifurcated into separate segment, whether this net debt is from related parties other than related parties, whether debt is secured or whether debt is unsecured, whether that debt security is out of the terms convertible, non-convertible, what is the rate of interest if it is a term loan. So debt has got so many segments. Each and every segment is supported by their proper disclosure. एंड दैट डिस्क्लोजर जो है वो आपको वहां पर नेट जहां पर डेट डेट बोरोइंग है दैट यू हैव टू मेंशन देयर एज टू व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट डेट, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ दैट रेट, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रीपेइंग दैट डेट। दीज आर द रिक्वायरमेंट टू बी स्टेटेड इन द नोट्स बिलो द रेलेवेंट शेड्यूल इटसेल्फ दैट दिस नेट डेट ऑफ द कंपनी आर बीइंग characterized by these facts. Basically, we are to bring to the user your net debt liability consists of what is the character, who has funded, what is the term conditions, whether it is secured. So these types of disclosure is required that sometimes is missing. That is why we call pitfalls in presenting the balance sheet, financial statement. The subject on which you are raising, because these are the kinds of pitfalls which sometimes missed out in the financial statement. क्या बोलते हैं बस इधर ही कहेंगे वहाँ उस इसे मैं रखा हुआ है। राज जी लास्ट क्वेश्चन, राज जी, राज रुंगटा जी काइंडली आपने हैंड रेज किया है, अपना लास्ट क्वेश्चन पुट अप करें। राज रुंगटा जी नहीं है लगता, भैया निकल गए लगता है, एक मिनट देख लेता हूं। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स? वी आर गोइंग टू सम अप दिस सेशन, द वंडरफुल सेशन टुडे। रोहित, इट सीम्स देयर इज नो फर्दर क्वेश्चन फ्रॉम द लर्नर स्पीकर, सो नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर द रेस्ट ऑफ द फॉर्मेलिटीज लेटर ऑन। ओके भैया, thank you Pramod ji, thank you for the nice deliberation. Now I hand over to Mr. Prakash Patwari, chairman of the GD committee, to give the vote of thanks. Thank you Rohit, welcome there.
Nowadays, when department is too particular to implement rule and regulation, but we professional feel that also not too capable due to the complex of the practicality and the complex of the act. In this situation, with thanks to participant also today's relevant question and the query, and thanks Pramod ji for nice and effective deliberation. Thank you, Pramod ji, once again, and thanks to participant and our president also to take the initiative for this GDOs. Dear participants, there are two announcements. One is tomorrow we are holding the bank audit seminar for 5 hours. So you can register that one. And further, the VIP is going to organize an annual conference in the ITC Royal Bengal on 15th May. So you all are requested to please support as per your requirements. There will be good delegates. There are good speakers. The venue is very good. So whatever suggestion you can put out to us or any of the committee, we're really taken care of. Thank you so much for joining the program. It's only one line. Yeah, one line. Yeah. Last time I'll tell you some member of कि जब जब कोई अमेंडमेंट आता है ना, जब जब कोई मॉडिफिकेशन आता है, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन का छोटा छोटा ग्रुप भी बना के करो, ताकि ये जो मेजर मिस्टेक रह जाती है अकाउंट्स में, तो क्या होता है कि वो सेम चला आता है ना, तो एक कहावत है ना भी कि जैसे हवा बहती उसको लचको, ठीक है ना, लचक नहीं लचकोगे फिर टूट जाओगे, वो बोल जाती है दरक जाती है वो फलक जो लचक नहीं पाती, आप हवा का झोंका जिधर है भैया उधर से बनाते हो और अपना रिपोर्ट निकालते हो, नहीं करोगे तो टूट जाओगे. But yes. Thank you very much for giving me the opportunity, Vishnu. Sir, आपको क्या memento मिला क्या? हाँ, बिल्कुल memento मिला, मैं लेके बैठा हूँ. Thank you very much. Beautiful memento you have given. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Thanks for coming. Om. Thank you all of you. Thank you.